हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग लाए हैं इनकम टैक्स का एमसीक्यू और काफी लंबा है, समझिए कि एक मैराथन क्लास है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम उसे एक बार लाइक कर लीजिए और लाइक करने के बाद अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमको थोड़ा समय कम मिल पाता है, इसलिए देखते होंगे काफी दिन लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। तो फिर भी जब भी समय मिलेगा तो आपके लिए कंटेंट मैं लेकर जरूर आऊंगा, बनाऊंगा, और खास तौर से जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा होगा उस सब के लिए। तो ये हमारा इनकम टैक्स है, आय कर है। देखिए थंबनेल पे लिखा हुआ होगा कि 500 एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 500 का। अब देखते हैं जहां तक क्वेश्चन हो सकता है तो हो जाएगा, यदि नहीं हो पाएगा 500 कंप्लीट तो उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये वैकेंसी आपके बिहार लेखपाल PSCL मतलब बिजली विभाग के जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, चाहे अकाउंटेंट, ऑडिटर या TGT PGT या डिफरेंट एग्जाम में जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं और उसमें सब्जेक्ट आपका यदि आयकर है, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनकम टैक्स जानना आपको जरूरी है। पिछले लेक्चर में काफी लंबा लेक्चर था जिसमें पूरा इनकम टैक्स मैंने पढ़ाया था, तो उसमें केवल थ्योरेटिकल मैंने पढ़ाया था। तो आज के बारे में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात कैसे कंपटीशन में एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। और काफी लंबा क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम्स के लिए लगभग लगभग इम्पोर्टेंट है जो कॉमर्स से रिलेटेड होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? लेकिन जल्दी से आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए, और जो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और फ्रेंडों में भाई शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि पता लग जाए कि कितने लोग हैं। ध्यान से देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम टैक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है इसमें से मोस्टली डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मतलब बताने का मतलब है कि इसी पैटर्न पर, इसी बेस पर या इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में अदर डिफरेंट टाइप स्टेट्स के जो भी वैकेंसी आती हैं उसमें पूछे गए हैं, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं। सबको मर्ज करके सीक्वेंस से नहीं है, बस कोई पहले चैप्टर से है, कोई लास्ट चैप्टर से है, मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके वैसे क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम भारत में आयकर कब लगाया गया। मतलब कह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया में कब सबसे पहले इनकम टैक्स कब लगाया गया था। ऑप्शन दे रहा है, थोड़ा सा एक चीज और भी है, आप लोग भी सॉल्व करते चलिएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप सर कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो भाई कमेंट का रिप्लाई क्या दे, कमेंट का रिप्लाई दे कि आप लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि यदि सही तरीके से पढ़ाएंगे तो भाई टाइम उसे जाता है, मेरा वीडियो जितना भी है लंबा ही होता है, और लंबा होगा तो भाई उसमें आप कमेंट पढ़ेंगे तो वो कहाँ से हो पाएगा। तो आप लोग का जो भी कमेंट करना है कर सकते हैं, लेकिन केवल हम लोग फोकस करेंगे केवल पढ़ाई पर। क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम भारत में आयकर कब लगाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दे रहा है 1890, 1860, 1870 और 1880। आपको बताए थे कि जैसे ही इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि इनकम टैक्स इंडिया में फर्स्ट टाइम कब लगाया गया था, तो भाई कब लगाया गया था, 1860, ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी क्वेश्चन जानना जरूरी है कि 1860 में क्यों लगाया गया था। तो आपको बताए थे थ्योरेटिकल पिछले लंबे वाले लेक्चर्स में कि 1857 में स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, आंदोलन एक हुआ था जिसमें देखे होंगे चर्बी लगे कारतूस वगैरह थे जो भारतीयों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले थे, तो हमारे जो सैनिक थे सैनिक विद्रोह कर दिए थे मेरठ के बैरिकपुर छावनी से, और हर जगह धीरे धीरे विद्रोह हुआ था और विद्रोह इतना बढ़ गया कि पूरे देश में छा गया। उसमें अंग्रेजों को काफी नुकसान हुई थी और उस नुकसान की लास्ट में तो विजय उन्हीं की हुई, लेकिन उस नुकसान में नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1860 में क्या किया, एक टैक्स लगाया, वो भी टैक्स भारतीयों के ऊपर लगाया, ठीक है? तो पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम भारत में आयकर कब लगाया गया था, तो 1860, ठीक है? आगे बढ़ते हो,
अब दो दो क्वेश्चन का हम लोग स्लॉट ले रहे हैं ताकि आसानी से हो जाए। कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, कुछ क्वेश्चंस छोटे हैं। हाँ, यहां देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि आयकर को सम्मिलित किया जाता है, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स में सम्मिलित किया जाता है। क्या कि इनकम टैक्स क्या है? एक प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में, बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स को प्रगतिशील टैक्स भी कहा जाता है। प्रगतिशील टैक्स का मतलब है कि इसकी दरें जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ए बी दोनों सही, और अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी, तो अप्रत्यक्ष कर तो होगा ही नहीं, ये दोनों ही सही है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब इनकम टैक्स क्या है? एक प्रगतिशील कर भी है और डायरेक्ट टैक्स भी। नेक्स्ट है करदाता का अर्थ है, मतलब एसएससी किसे कहा जाता है, करदाता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हो, मतलब एक ऐसा आदमी जो इनकम टैक्स चुकाता हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड या किसी दूसरे का टैक्स चुकाने को उत्तरदायी अपने ऊपर लाता है, तो उसे करदाता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करता है उसे करदाता नहीं कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सेवा प्रदान करता है या मंदिर में पूजा करता है तो उसे भी करदाता नहीं कहा जाता। ऐसा व्यक्ति जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है ये भी करदाता नहीं होता। करदाता कौन होता है? वह व्यक्ति जो इनकम टैक्स चुकाने का उत्तरदायी होता है या उसके ऊपर सौंपा जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आयकर लगाया जाता है। पूछा जा रहा है कि इनकम टैक्स किस पर लगाया जाता है। भाई इनकम टैक्स टोटल इनकम पर लगाया जाता है, ठीक है ना। कुल आय पर, कुल आय मीन्स टोटल इनकम, सकल आय पर, शुद्ध आय पर, उपयोग सभी पर, तब भाई आयकर हम किस पर लगाते हैं? टोटल इनकम पर। टोटल इनकम न कि ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम पर लगता है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और मैं बता दूं कि यह जो इनकम टैक्स है आपका असेसमेंट ईयर 2023 और 24 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अभी जो 24 और इस समय जो असेसमेंट या प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है, क्योंकि अभी 2024 जो 23-24 का असेसमेंट ईयर है अभी हाल ही में खत्म हुआ है, मुश्किल से 3 महीना हुआ। अब जो असेसमेंट ईयर चलेगा वो 24-25 चलेगा, तो फिलहाल 24-25 के डाटा नहीं है। यदि 24-25 को कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, तो उसको एक अलग से लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में क्या सुधार हुए हैं, क्या चेंजेज हुए हैं, उसको अलग से लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। पहले फिलहाल असेसमेंट ईयर 23 और 24 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 60 वर्ष से कम आय की निवासी महिला करदाता की करमुक्त सीमा क्या। मतलब पूछ रहा है कि असेसमेंट ईयर 2023-24 में यदि एक महिला है जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, और कौन है? निवासी महिला करदाता, तो यहां पूछा जा रहा है कि इसकी करमुक्त सीमा क्या होगी, मैंने कहां तक इसकी इनकम करमुक्त होगी। तो भाई 60 वर्ष से नीचे है तो याद रखिएगा 2.5 लाख रुपए तक करमुक्त होता, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए वरिष्ठ नागरिक निवासी करदाता की दशा में करमुक्त सीमा क्या। ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ नागरिक का मतलब है सीनियर सिटीजन, मतलब है कि 60+ है और 80 से कम है, ठीक है, 60 से 80 के बीच वाले, उसे वरिष्ठ नागरिक बोला जाता है। पूछा जा रहा है इनके लिए करमुक्त सीमा क्या है। एग्जम्प्टेड इनकम के लिए 3 लाख रुपया है, ऑप्शन में दिया है 3 लाख, 3,40,000, 3,60,000, 3,50,000, तो 3 लाख रुपया है, याद रखिएगा। सब असेसमेंट ईयर 2023-24 की मैं बता रहा हूं। कंपनी की दशा में आयकर विवरण दाखिल करने की देय तिथि क्या। मतलब एक सपोज करिए कि एक कंपनी है, चाहे वो कंपनी हो, व्यक्ति हो, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, यदि टैक्सेबल इनकम माने इनकम ज्यादा अर्न करता है और टैक्सेबल एग्जम्प्टेड इनकम से ओवर होता है इनकम, तो वहां पे वो टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी है। अब पूछा जा रहा है कि यदि कंपनी है और टैक्स कैसे चुकाया जाएगा, आईटीआर दाखिल किया जाएगा। आईटीआर जब दाखिल करेगा तो उसमें अपना पूरा डिटेल देना रहता है। तो पूछा जा रहा है ये कंपनी आईटीआर दाखिल करने की ड्यू डेट क्या है या देय तिथि क्या।
ऑप्शन में दे रहा है कर निर्धारण वर्ष का 31 अक्टूबर, कर निर्धारण वर्ष का 31 मार्च, और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक कंपनी की दशा में आईटीआर दाखिल करने का डेट होता है 31 अक्टूबर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बस एक डेट याद रखिएगा, कंपनी है तो 1 अक्टूबर, और भी नीचे डेट दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए 70 वर्षीय भारत में अनिवासी की दशा में करमुक्त सीमा क्या है। यहां पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया। हमारा असेसमेंट ईयर मान लीजिए ये एक आदमी है जिसका कह रहा है कि उम्र 70 वर्ष है, भारत में अनिवासी है, तो करमुक्त सीमा क्या होगी। 70 वर्ष का उम्र है भाई तो 3,00,000 रुपया होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, क्यों। फिर वहीं पे कह रहा है स्वास्थ्य व शिक्षा ऊपर की उपकर की दर क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, ये ऐसा टैक्स है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो भाई ये 4% होता है, लिया है 2%, 3%, 4%, 5%, तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, 4%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक व्यक्ति की परिभाषा में शामिल है या सम्मिलित है, माने क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति हम आप भी हो सकते हैं, कोई कंपनी फर्म संस्था भी हो सकती है, तो व्यक्ति मेल फीमेल कोई भी, कंपनी फर्म सही ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सही। अगला है व्यक्तियों का समुदाय में शामिल है, मतलब कि व्यक्तियों के समुदाय में किसे शामिल किया जाता है, क्या एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है, कंपनी को शामिल किया जाता है, फर्म को शामिल किया जाता है, सत्ता को शामिल किया जाता है, व्यक्तियों के समुदाय में केवल व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि लॉटरी से जीत पर आयकर की दर क्या है। यदि एक आदमी लॉटरी से कुछ इनाम जीतता है तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा उसकी इनकम होगी, उस पर टीडीएस कटता है। पूछा जा रहा है कि वो टीडीएस का रेट क्या है, तो भाई लॉटरी पर टीडीएस का रेट आपका 30% है, दिया है ऑप्शन में 20%, 25%, 30% एंड 35%, तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, 30%। यहां पूछा जा रहा है कर निर्धारण वर्ष का समय क्या है, मतलब असेसमेंट ईयर का समय क्या होता है। तो जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है 31 मार्च के 1 अप्रैल, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 जून से 30 अगस्त, ये सब ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स में बहुत ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस नहीं होते हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पक्का है, पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही होगा, बशर्ते कि अच्छे तरीके से उसको रीड किए हैं, पढ़े हैं तब। अगला कह रहा है कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को कहा जाता है, ये आप लोगों को पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब एक तरह से फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है हमारा असेसमेंट ईयर, यह पहले होता है ध्यान दीजिएगा, और यह इसके बाद होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब है कि जिस वर्ष आय कमाते हैं, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस वर्ष टैक्स चुकाते हैं। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है कि कर निर्धारण वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर से ठीक पहले कौन आता है, प्रीवियस ईयर, देखिए गत वर्ष, वित्तीय वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, हिसाबी वर्ष, तो भाई यही आता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सेवीनियर के में विज्ञापन पर 50,000 रुपया व्यय किया, उसे कटौती मिली। पूछा जा रहा है कि एक बिजनेसमैन किसी राजनीतिक पार्टी के सेवीनियर में या सेमिनार में या उसके कॉन्फ्रेंस में या उसके प्रचार प्रसार में के विज्ञापन 50,000 रुपया व्यय किया, पूछा जा रहा है उसे कटौती मिलेगी, उसे किस
इनकम के अंतर्गत किस हेड के अंतर्गत उसे कटौती मिलेगी। कह रहा है कि व्यवसाय से आय में, अन्य साधनों से आय में, सकल कुल आय में, इनमें से किसी में नहीं। बताइए किसमें कटौती मिलेगी। किसी व्यवसायी ने यदि राजनीतिक पार्टी के सेविनियर पर व्यय किया है 50,000 तो उसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में कटौती मिलेगी, अदर किसी हेड में नहीं मिलेगी। शुरू में आपको बताए होंगे कि इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट कह रहा है कि आय के साधन है, आय के कौन कौन से सोर्सेस है। वेतन से प्राप्त आय, मकान संपत्ति से प्राप्त आय, पूंजी लाभ, उपयुक्त सभी। भाई इनकम के सभी ये शीर्षक अभी तो 3 ही दिया है, चौथा हमारा अभी क्या है, इसमें छूट क्या रहा है, बिजनेस प्रोफेशन छूट रहा है और अदर सोर्सेस छूट रहा है। 3 तो ये दिया है, 2 और है, तो सारे होंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से प्राप्त आय है। करयोग्य आय का साधन, करयोग्य आय का वर्गीकरण, आय का एक साधन, उपयुक्त सभी। बताइए अन्य साधनों से प्राप्त आय है, अन्य साधनों से प्राप्त आय क्या है। अन्य साधनों से प्राप्त आय का मतलब होता है यह करयोग्य आय का एक साधन है, एक जरिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। मतलब कह रहा है कि एक कोई संस्था है जो सामाजिक विज्ञान या किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय है, सामाजिक विज्ञान के विषय में क्या कर रही है, अनुसंधान कर रही है, तो इस पर पूछा जा रहा है कटौती कितनी मिलेगी। तो भाई किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा या रिसर्च सेंटर द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक विज्ञान के संबंध में अनुसंधान किया जाता है तो उस पर पूरा 100% कटौती प्राप्त होती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर होती है समता अंशों के लिए। बताइए शॉर्ट टर्म हमारा कैपिटल गेन है, क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, पूछ रहा है इस पर कर की दर होती है। भाई कितने होती है, 15%, 20%, 30%, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए जल्दी से कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगाया जाता है। अल्पकालीन पूंजी लाभ, बताइए अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 15%। पूछा जा रहा है कि लॉटरी पर कर की दर क्या होती है, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अभी ये क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, बताइएगा 20%, 30%, 10% इनमें से कोई नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं के रहने के मकान से आय की गणना किस धारा के अंतर्गत की जाती है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी में देखिएगा मकान कई तरीके से होते हैं, एक हमारे सेल्फ रहने वाले होते हैं और एक लेट रेंट पे होते हैं, रेंट मतलब होता है लेट आउट पे होते हैं, ठीक ना। तो यहां से पूछ रहा है कि स्वयं के रहने के मकान के संबंध में आय की गणना किस धारा के अंतर्गत की जाती है। धारा 22(2), धारा 27(c), और भी कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखते हैं और 2 ऑप्शन क्या है, क्योंकि इनमें से एक भी नहीं है, नीचे क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया है 23(2), धारा 23(e), बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड, जल्दी से, धारा 23(2). अब थोड़ा सेट कर लें इसको। हाँ तो 23 हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हमारा है, इसमें कह रहा है कि स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है। पूछा जा रहा है खुद के व्यापार के उपयोग में आने वाली, मतलब
ऐसी कोई मकान जो खुद का उसमें अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस मकान से आय होती है तो वो किस शीर्षक में कर योग्य होती है? शुद्ध लाभ में, सकल लाभ में, वार्षिक मूल्य में, शून्य में? ध्यान दीजिएगा, यदि स्वयं का यदि कोई व्यापार है, व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होगी। मतलब खुद का यदि बिजनेस है और खुद का ही मकान है, ठीक ना, स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय क्या कहलाती है? शुद्ध लाभ, सकल लाभ, वार्षिक मूल्य, शून्य, बताइए क्या होती है? बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, शून्य होती है। हाउस प्रॉपर्टी की गणना कर रहे होंगे तो देखेंगे उसमें जो मकाने होती हैं कुछ तीन टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक होता है लेट आउट, ये तो दो अभी पीछे बताए थे, और एक ऐसा भी होता है उसमें सेल्फ का बिजनेस होता है, ठीक ना। सेल्फ का जो बिजनेस होता है, देखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, इन दोनों का यूज हम हाउस प्रॉपर्टी में करते हैं, माने दोनों की गणना हाउस प्रॉपर्टी में की जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में तो कुछ नहीं घटाया जाता है, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन घटाया जाता है। लेट आउट में पूरा हम काउंटिंग करते हैं, पूरा गणना करते हैं। और सेल्फ का बिजनेस यदि अपने खुद के मकान में चलता है तो ये हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य नहीं होगी, वो बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होगी, इसलिए यहां पे हाउस प्रॉपर्टी में इसका जो इनकम होगी वो शून्य मानी जाएगी। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वेतन में शामिल है, माने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि सैलरी में क्या इंक्लूड है, भाई मजदूरी, पेंशन, ग्रेचुटी सब, तो भाई ये तीनों ही सैलरी में इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25 में कह रहा है पूंजी लाभ उदित होता है, मतलब पूंजी लाभ कब उत्पन्न होता है? व्यापार की पूंजी पर होता है, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर होता है, व्यापार के माल पर होता है, ये सब पर होता है, भाई पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। जब भी किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, यहाँ हस्तांतरण का मतलब होता है पूंजी संपत्ति को बेच दिया जाता है, उस पर से अपने अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, उस पर अधिकार किसी दूसरे को सौंप दिया जाता है, उसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण बोलते हैं, तो ये पूंजी लाभ उदित होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता? पूछा जा रहा है कि किस तरह का ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाता है? क्या है? भेंट है, वसीयत है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भेंट और वसीयत है दोनों को भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। भेंट और वसीयत का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? भेंट क्या होता है? भेंट का मतलब होता है किसी को गिफ्ट दिया, किसी को उपहार दिया, किसी को मिलने पर कुछ दिया। अब वसीयत का मतलब है कि अपने पूर्वजों की संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है, तो वसीयत होती है, ठीक ना। तो ये दोनों को ट्रांसफर की श्रेणी में नहीं माना जाता, क्योंकि इस पर तो वो अधिकार दे या न दे, दोनों सिचुएशन में ऑटोमेटिक उसको अधिकार मिल जाता है। अगला बढ़ते हैं, यहां पूछा जा रहा है वेतन की मद है, अग्रिम वेतन, अनुलाभ, कमीशन, उपयुक्त सभी। भाई वेतन में आपका अग्रिम वेतन भी आता है, अनुलाभ भी आता है, कमीशन भी आता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। सबसे चीज अगला, व्यापार में आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। मतलब पूछा जा रहा है कि बिजनेस प्रोफेशन की जब गणना करते हैं तो उसमें जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसका कितना भाग डिस अलाउड होता है, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन में हमारा दो चीजें होती हैं, एक होता है अलाउड एक्सपेंसेस और एक होता है डिस अलाउड एक्सपेंसेस। तो पूछा जा रहा है कितना अस्वीकृत होता है, तो भाई 1/2, 1/5, 4/5, इतना कितना होगा भाई? 1/5 होगा, 28, ठीक है, याद रखिए। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसे डायरेक्ट देख के हम डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विज्ञापन के ठेके के संबंध में कटौती की दर क्या है? यदि एडवर्टाइजमेंट का कोई ठीका दिया जा रहा है तो इस पर डिडक्शन की दर हमारी कितनी होती है? 1%, 3%, 2%, 4%, बताइए कौन सा होगा?
डिडक्शन की दर कितनी होती है 2%। ठीक इसी तरह तेंदू का पत्ता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की संग्रह दर क्या है, मतलब तेंदू का पत्ता जो देखे होंगे वीडियो बनाने के काम में आता है, उस पर पूछा जा रहा है कि टीडीएस के रेट क्या होती है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। यहां देखिएगा ऑप्शन दे रहा है 1%, 5%, 2.5%, 2%। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। 5% होता। कुछ दशाओं में शोध के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। मतलब यहां से पूछा जा रहा है वो कौन सी दशा है जहां पर रिसर्च के लिए, रिसर्च पर पूरा 100% कटौती स्वीकृत होती है, मतलब 100% अलाउड डिडक्शन होता है किसी भी करदाता को, ना कंपनी करदाता को, ना वैज्ञानिक शोध। हाँ भाई, अभी पीछे क्वेश्चन में था इसी से रिलेटेड, इसमें नहीं होगा। मतलब किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, तो उस पर जो व्यय होता है उस पर 100% कटौती स्वीकृत की जाती है, बशर्ते कि वह संस्था अनुमोदित हो, कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो, या वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ी हो, या कोई विश्वविद्यालय है, या कोई अदर शोध संस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा 80G में 100% छूट अनुमन्य। मतलब पूछा जा रहा है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग धारा 80G काफी इंपोर्टेंट है इनकम टैक्स में, उसमें धारा 80G की कटौती जो होती है वो दान के संबंध में होती है। किसी पूर्णांक संस्था में या धार्मिक संस्था में यदि हम दान दे रहे हैं, या किसी कोष में दान दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, तो उस पर धारा 80G की कटौती स्वीकृत होती है। तो जो धारा 80G पर कटौती स्वीकृत होती है तो वहां दो प्रकार के होते हैं, एक 50% कटौती वाला होता है, एक 100% कटौती वाला होता है। तो यहां पूछा जा रहा है कि 100% कटौती किस पर मिलती है, राष्ट्रीय रक्षा कोष पर, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कोष पर, राष्ट्रीय बाल कोष पर, और उपयुक्त सभी पर, बताइए किस पर मिलती है। तो राष्ट्रीय रक्षा कोष पर पूरे 100% कटौती मिलती है, बाकी इन तीनों पर आपका 50% कटौती प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता उन्हें अपने पास रखे। मतलब शेयर की कंडीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस सिचुएशन में होगा जब उस शेयर को करदाता कितने समय तक अपने पास रखता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक नियम है, जैसे अंश को हटा दीजिए, नॉर्मली समझिए, यदि किसी संपत्ति को आज मैंने खरीदा और 36 महीने से यदि अधिक रखते हैं और उस पर जो उसके बाद यदि बेचते हैं उस पर जो प्रॉफिट होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 36 महीने से कम होता है तो शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन जब शेयर के संबंध में बात करें, जैसे कि यहाँ पे अंश के संबंध में है, इस पर अवधि 12 ही महीना होती है, 12 महीने के बाद यदि उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे जो प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, और 12 महीने से कम करते हैं तो वहां पे शॉर्ट टर्म होता है। यहां पूछा जा रहा है कि अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उस दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखे, कितने समय तक करदाता अपने पास रखता है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म होता है। तो ये होगा 12 महीने से अधिक, लिखा है 12 महीने से कम, 12 महीने से अधिक, 12 माह, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है 12 महीने से अधिक। यदि यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछा रहा था तो 12 महीने से कम हो जाता। नेक्स्ट, अंशों की दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। देखिए अब वही क्वेश्चन है, बस शॉर्ट टर्म इसमें पूछ दिया। तो भाई अंशों की दशा में अभी मैंने बताया, यदि 12 महीने से पहले विक्रय कर दिया गया हो, 12 महीने से पहले विक्रय कर दिया गया तो वहां शॉर्ट टर्म गेन होता है। एक और क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम की धारा 80G संबंधित, अभी पीछे वाले क्वेश्चन है, बस वो दूसरे तरीके का था, ये दूसरे तरीके का है कि इनकम टैक्स एक्ट का अंडर सेक्शन 80C किससे रिलेटेड है। विकलांग आश्रित की चिकित्सा पर व्यय है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा है तो लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज के भुगतान से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकलांग आश्रित वाला जो है 80D आपका आ जाएगा, DD। और शिक्षा है तो लिए गए ऋण पर ब्याज 80E आ जाएगा,
कपिता केशव में किए गए अंशदान यही 80 जी शादी के लिए लिए गए ऋण ये नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हुआ भाई? अगला है धारा 44 एडी के अंतर्गत कौन करदाता नहीं है? धारा 44 एडी के अंतर्गत कौन पात्र करदाता नहीं है बताइए? क्या एक व्यक्ति पात्र है? हिंदू अविभाजित परिवार है, साझेदारी फर्म है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म है, बताइए कौन पात्र नहीं है? 36 बताइए। एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी जो होती है वो धारा 44 एडी के अंतर्गत पात्र नहीं है। धारा 44 एडी के अंतर्गत विक्रय की सीमा क्या है? धारा 44 एडी के अंतर्गत विक्रय की सीमा क्या है? 20 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 2 करोड़ बताइए। धारा 44 एडी के अंतर्गत विक्रय की सीमा क्या होती है? याद रखे रहिएगा, 2 करोड़। अगला हमारा क्वेश्चन है धारा 80 डीडी संबंधित है, बताइए धारा 80 डीडी विकलांग आश्रितों के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में, उच्च शिक्षा पे, ठीक ना, चिकित्सा पर, ऋण पर, बताइए किससे संबंधित? धारा 80 डीडी आपको सभी पीछे बताए हैं किससे संबंधित है? विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह व चिकित्सा के संबंध में किया गया जो व्यय होता है धारा 80 डीडी के अंतर्गत इसको डिडक्शन मिलता है। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हमारा रेंट ज्ञात किया जाता है, रेंट का मतलब है कि आपका वार्षिक मूल्य ज्ञात करना होता है, तो उसमें से पूछ रहा है कि नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी किसमें से? सकल वार्षिक मूल्य में से। तो लिखा है कि गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया, ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जब भी रेंट में से, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट जो भी हो, उसमें से जब म्युनिसिपल टैक्स घटाया जाता है तो म्युनिसिपल टैक्स तभी घटाया जाता है जब मालिक के द्वारा चुकाया गया हो, न कि किराएदार के द्वारा चुकाया गया। लिखा है कि वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया, बिल्कुल किराएदार का मतलब क्या होता है? किराएदार थोड़े मकान में मालिक है। गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाया गया हो, यही सही है। गत वर्ष में दे हो, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका क्या है? बी। अगला आपका क्वेश्चन है किस संपत्ति पर ह्रास मिलेगा? क्या पशु पर ह्रास मिलेगा, चाय के पौधे पर मिलेगा, व्यापार की ख्याति पर मिलेगा, कि पेटेंट पर मिलेगा? बताइए किस पर ह्रास मिलेगा, जल्दी से बताइए भाई। पेटेंट पर, इनकम टैक्स में पेटेंट पर ह्रास मिलता है, और भी कितना परसेंट मिलता है? 25%। कौन सी आय संपत्ति से, कौन सी आय संपत्ति से आयकर योग्य नहीं है? कौन सी इनकम है जो एसेट से आयकर योग्य नहीं है? यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कौन सी मकान आय, मकान संपत्ति से आयकर योग्य नहीं है? फार्म हाउस से आय, राजमहल से आय, व्यापारिक भवन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसमें, इनमें से कोई नहीं। क्यों? इनकम टैक्स में पढ़ते होंगे, जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आता होगा तो उसमें पढ़े होंगे कि कुछ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है। वो कौन कौन से? किसी फार्म हाउस, क्योंकि एग्रीकल्चर की श्रेणी में चला जाता है, राजमहल, किसी राजा का वार्षिक मूल्य या महल का किराया, व्यापारिक भवन, ये भी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये नहीं है। तीनों ही मकान संपत्ति या एक शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि व्यक्ति की आय 1 करोड़ से अधिक है, माने एक आदमी है जिसकी इनकम 1 करोड़ से अधिक है परंतु 2 करोड़ से कम है, मतलब 1 करोड़ से अधिक कमाता है, 2 करोड़ से कम कमाता है,
उसे किस दर से अधिभार देना होगा? अधिभार का मतलब सरचार्ज। यदि एक आदमी 1 करोड़ से अधिक कमाता है मगर 2 करोड़ से कम कमाता है तो उसे अधिभार कितना देना पड़ेगा? 15%, 25%, 2.5%, 10%, कितना देना पड़ेगा? भाई 1 करोड़ से अधिक है तो 15%, 1 करोड़ से कम है 50 लाख तक है तो भाई 10%। अगला है कि मिस्टर एक्स भारत में निवासी हैं, 31/3/2024 को इनकी उम्र 80 वर्ष हो गई, कह रहा है इनकी कर मुक्त सीमा क्या होगी। अब एक आदमी है और भारत का वो भी निवासी है और इस डेट पे कह रहा है इसकी आय 81 वर्ष 80 वर्ष है, पूछ रहा है कर मुक्त सीमा क्या होगी, जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख कौन सा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है धारा 80 ई की कटौती प्राप्त होती है। धारा 80 किससे रिलेटेड है? उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण के संबंध में कटौती, समझ गए। चिकित्सा तो होगा नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लिए गए ऋण पर कटौती, बस इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो एग्जैक्ट आपको याद करनी पड़ेगी। मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत कर का आधार क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हेड के अंतर्गत टैक्स का बेस क्या होता है? अब देखते हैं आंसर में क्या क्या दिया है ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन में दे रहा है प्राप्त किराया, प्रमापित किराया, वार्षिक मूल्य नगरपालिका। भाई वार्षिक मूल्य के आधार पर ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की गणना की जाती है। जब तक हमारा एनुअल वैल्यू नहीं आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर दे। ध्यान दीजिएगा, मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आय होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक मकान है, ये एक्स का है और उसने वाई को किराए पर दिया, इसको किराए पर दिया तो ये तो कहलाएगा किराएदार, ये क्या कहलाएगा? किराएदार। इसने क्या किया? एक आदमी जेड है, जेड को किराए पर दिया, किराए पर दिया, दे दिया, इसे कहा जाएगा उप किराएदार, उप किराएदार। यही पूछा जा रहा है कि मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा, मतलब ये आदमी पुनः किराए पर, माने किसी दूसरे आदमी को, जेड को उठाता है, अब इस आदमी को इनकम होगी कि नहीं होगी? तो वो इनकम कहाँ जाएगी? मकान संपत्ति में? बिल्कुल नहीं, भले मकान से रिलेटेड है तो मकान संपत्ति में जाएगी, मकान संपत्ति में तो इसका होगा जो असली मालिक है। अन्य साधनों से आए, हाँ इसी में होगा, करमुक्त तो होगा नहीं, व्यवसाय की इनकम होगी नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट है पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। भाई पूंजी लाभ कब उत्पन्न होता है? व्यापार की पूंजी पर होता है, व्यापार की रहती पर होता है, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर होता है, यही तो होता है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, ऑप्शन नंबर सी। इसी से रिलेटेड एक पीछे क्वेश्चन भी था, कोई क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, कोई छोटा छोटा है, बड़ी दिक्कत हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूंजी संपत्ति कितने प्रकार की होती है? ये तो मुझे वाणी आपको याद होना चाहिए, कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि ये गेन लिखे हैं, गेन हटा दिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल, बस इतना ही रखिए। तो कहीं ऑप्शन है? दो। यदि करदाता किसी आय को आयकर विभाग, क्या है? यदि करदाता की किसी आय को आयकर विभाग आय मानता है तो यह प्रमापित करने का भार है। यहां पूछा जा रहा है कि एक करदाता है, उसकी कोई आय है, आयकर विभाग को कहता है कि ये आय है, भले वो कैसे भी कमाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये इनकम है, तो पूछा जा रहा है यह प्रमापित करने का भार किसको है? करदाता का है, आयकर विभाग का है, दोनों का है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। बड़ी टिपिकल ये भी क्वेश्चन है, एक बार आया था एग्जाम में, किसको है? भाई आयकर विभाग को ना है, क्योंकि करदाता तो इनकम कमाया, अब पता नहीं कैसा इनकम था, आयकर विभाग कहता है कि ना ये सही इनकम है, तुम कमाए हो, चलो टैक्स दो। तो
तो यह प्रमापित करने का, मान्यता देने का भार किसके ऊपर है? तो आयकर विभाग के ऊपर है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर हरास की दर कितनी होती है? वो हरास अकाउंटिंग वाला नहीं हरास, ये एक इनकम टैक्स वाला हरास। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के चार्ज अलग अलग संपत्तियों पर अलग अलग रेट से, तो पूछ रहा है कि कंप्यूटर पर हरास किस रेट से लगाया जाता है? 30%, 40%, 60%, 70%, बताइए कंप्यूटर पर हरास किस रेट से लगाया जाएगा? पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, 20% सॉरी 40%। किस रेट से लगाया जाएगा? 40%। नए प्लांट पर अतिरिक्त हरास की दर क्या है? जो देखिए, किसी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी में, मैंने फैक्ट्री में, किसी प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाने का रेट अलग होता है, लेकिन एक इसके अलावा एक एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लांट होती है, तो उसके डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी कुछ डेप्रिसिएशन लगता है जिसको एडिशनल डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाया जाता है? तो भाई 20% के रेट से लगाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति हो सकती है? यदि बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस कई तरीके के होते हैं, सामान्य बिजनेस, सट्टे का बिजनेस माने नॉर्मल बिजनेस हमारा, और स्पेकुलेटिव बिजनेस, यदि स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है तो नियम ये भी है कि यदि किसी एक हेड से हानि होती है, लॉस होती है, तो उसे दूसरे हेड से पूरा कर देते हैं। एक सोर्सेस से हानि होती है तो दूसरे सोर्सेस से पूरा कर लेते हैं। यदि कोई आदमी सट्टे का बिजनेस कर रहा है और उसको किसी साल हानि हो गई, लॉस हो गया, तो उस हानि की पूर्ति आगे कितने साल तक कर सकता है? 4 साल, 8 साल, 3 साल, 6 साल? तो सही ऑप्शन है आपका 4 साल। अगला हमारा क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति अभी पीछे बताए थे कब होती है? जब कोई संपत्ति 36 महीने से अधिक उपयोग में लाई गई हो। तो भाई 36 महीने से अधिक वाला ही तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पीछे को भी देख कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कुल आय यदि 8,20,194 रुपया, यदि आपकी टोटल इनकम कितनी रुपयी है, इसे पूर्णांकित आय होगी। मतलब पूछा जा रहा है कि इसे राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो भाई देखिएगा, आपको रूल बताए थे कि जो लास्ट का ये डिजिट है, ये लास्ट का डिजिट है, यदि लास्ट का अंक 5 रुपये से कम है, कम है, तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और यदि यही 5 रुपये से अधिक है, क्या है? अधिक है, तो सीधे इसको 10 रुपया बना लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8,20,190, क्योंकि ये लास्ट का डिजिट हम हटा देंगे, क्योंकि 5 रुपये का लास्ट से कम है, 4.5 रुपया है। देखिए कोई ऑप्शन है, यही तो होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्री ए पूर्णतः अंधा है, मतलब एक आदमी है ब्लाइंड है, पूछा जा रहा है कि उसे 80U के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? भाई एक ब्लाइंडनेस व्यक्ति के लिए जो अंडर सेक्शन 80U के अकॉर्डिंग आता है, तो उसे कितना डिडक्शन मिलता है? 50,000, 75,000, 1,00,000, 1,25,000। अब यहाँ पे भी दो नियम है, यदि वो फुली डिसेबिलिटी है मतलब ब्लाइंड है, और एक पार्टली ब्लाइंड है मतलब थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा है। यहाँ एक शब्द लिखा है पूर्णतः अंधा है, तो भाई उसे 1,25,000 मिलेगा, और पूर्णतः नहीं होगा तब कितना मिलेगा? 75,000 मिलेगा, याद रख लीजिएगा। कुल आय के विभिन्न स्रोतों के योग को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं आय के विभिन्न स्रोतों के योग को क्या कहते हैं? आय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, ठीक ना, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, 5 हुआ। इसको टोटल करते हैं तो ग्रोस टोटल इनकम ना होता है,
रिडक्शन घटाते हैं तो टोटल इनकम होता है। देखिए कहीं दिया सकल खुला है, थोड़ा पानी पी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 हम लोग का कि अशोधित ह्रास की पूर्ति भविष्य में कितने वर्षों तक पूरी की जाती है। सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन है कि अशोधित ह्रास जो होती है इसकी पूर्ति फ्यूचर में कितने सालों तक की जाती है। 8 साल बिल्कुल नहीं, 10 साल बिल्कुल नहीं, 4 साल बिल्कुल नहीं, इसके लिए कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक की जा सकती है। निगम कर क्या है? क्या निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति है, व्यय है, विनियोग है, बताइए क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है भाई? एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा 80 जी है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धारा 80 जी किससे संबंधित है? जीवन बीमा प्रीमियम से रिलेटेड है ना, दान से है, दान में 80 जी आ जाएगा, जीवन बीमा प्रीमियम हमारा कितना आएगा इसमें 80 सी आएगा, दान क्या आएगा हमारा 80 जी आ जाएगा, मकान किराए भुगतान के संबंध में ये हमारा धारा 80 जी है, तो सही ऑप्शन ये है। ठीक है, ये हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये भी नहीं आएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी। सकल कुल आय में से कौन सी कटौती घटाते हैं? पूछ रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से, देखते होंगे कि जब हम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस को जब ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, इसमें से हम क्या घटाते हैं भाई? डिडक्शन घटाते हैं। डिडक्शन 80 सी से लेकर 80 यू तक होता है। डिडक्शन घटाने के बाद से हमारा क्या आता है? टोटल इनकम आ जाता है। क्या घटाते हैं? धारा 80 सी से 80 यू तक की डिडक्शंस घटाए जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप का मतलब पूरा नाम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सही है, गुड्स एंड सेल टैक्स गलत है, गुड्स एंड सोशल टैक्स गलत है, गुड्स सर्विस टैक्सरी गलत है, सही ऑप्शन क्या है? ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ? ये सैलरी का क्वेश्चन है कि सैलरी में दो तरीके के कर्मचारी होते हैं, एक सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी वालों का तो पूर्णतः एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन गैर सरकारी जो होते हैं उस पर दो तरीके के रूल लागू होते हैं, ऐसे एम्प्लाई जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं और ऐसे एम्प्लाई जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। तो यहां पूछा जा रहा है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ? 1971, 73, 72, 74, बताइए कब लागू हुआ? 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्पकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर होती है समता अंशों के लिए। ये क्वेश्चन मैं एक बार बता चुका हूं, इसलिए इसे आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फर्म की दशा में कर की दर होती है, एक फर्म पर टैक्स किस रेट से लगाया जाता है? 20%, 40%, 30%, 50%? भाई 30% के रेट से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लांट मशीनरी उपस्कर मतलब फर्नीचर के किराए पर कटौती की दर है, मतलब पूछा रहा है कि प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पर किराए पर कर की कटौती की दर का, मतलब प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को यदि किराए पर दिया गया है तो कितना टीडीएस काटा जाता है, बताइए। 1%, 2%, 5%, 10%, फटाफट बताइए। 2% के रेट से। उद्गम स्थान पर कर की कटौती, मतलब यह यहां होता है टीडीएस,
की जाती है? उद्गम स्थान पर टीडीएस की कटौती कब की जाती है? भुगतान किसके द्वारा की जाती है? भुगतानकर्ता द्वारा, सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, आयकरदाता द्वारा? ध्यान दीजिए, टीडीएस कौन कट देता है भाई? जो पेमेंट करेगा वही ना टीडीएस काटेगा। ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूंजी संपत्ति नहीं है, क्या व्यापारिक माल पूंजी संपत्ति है, घरेलू फर्नीचर पूंजी संपत्ति है, व्यक्तिगत उपयोग का मोटर कार पूंजी संपत्ति है? तीनों ही पूंजी संपत्ति नहीं है, तो इसमें से सभी नहीं है, क्योंकि व्यापारिक व्यापार का जो माल है वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती है। घर के फर्नीचर, मेज कुर्सी जो है पूंजी संपत्ति नहीं होती है। व्यक्तिगत यूज के लिए यदि कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार रखे हैं वो भी पूंजी संपत्ति नहीं है, सब। एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर किस दर से कर लगेगा? मतलब पूछा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो हमारा टैक्स का रेट है वो कितना परसेंट होता है? तो मुझे वाणी याद रखिएगा, 20% होता है। 10-15 तो होगा नहीं, देखते हैं, और जरूर होगा 20% कहीं ना कहीं। इधर दिया है, 20% लिखा है, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला कह रहा है, धारा 54B की कटौती निम्न में से किससे संबंधित है? ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 54B पूछ रहा है किससे रिलेटेड है? कृषि भूमि से, आवासीय मकान से, औद्योगिक उपक्रम से, इनमें से कोई नहीं। भाई किससे रिलेटेड है जल्दी बताइए? कृषि भूमि से रिलेटेड है। किस धारा 54B जो है, इस पर यदि कोई कृषि भूमि बेचकर कृषि भूमि परचेस कर लेता है तो उस पर 54B के अंतर्गत कटौती मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय, कौन सा ऐसा एक्सपेंसेज है जो बिजनेस इनकम हेड में अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है मतलब स्वीकृत नहीं है। अशुद्ध ऋण, माल और सेवा कर, आयकर, उत्पाद कर। देखिएगा, इनकम टैक्स जो है वो बिजनेस प्रोफेशन में स्वीकृत नहीं है, मतलब डिस अलाउड एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। ये भी होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज होता है, घरेलू या निजी व्यय होता है, बहुत सारे चीजें होते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से इनकम टैक्स नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ये भी हमारा डिस अलाउड एक्सपेंसेस होता है। यहाँ देखिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, 1/4/1999 से पहले, हाउस प्रॉपर्टी में 1/4/1999 से पहले ऋण पर ब्याज की कटौती स्वयं के रहने के मकान के संबंध में होती है। मतलब एक आदमी खुद का रहने का मकान बनवाता है और 1/4/1999 से पहले उस मकान को बनवाने के लिए कर्जा लेता है। पूछ रहा है कि उस पर ऋण पर जो ब्याज की कटौती होगी कितनी स्वीकृत होगी? 1,30,000, 1.5 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो भाई 30,000 रुपया स्वीकृत होगी। 1 अप्रैल 1999 से यदि मकान बनवाने के लिए, वो भी स्वयं के रहने का मकान बनवाने के लिए कर्जा लिया जाता है, तो उस पर ऋण पर जो ब्याज की कटौती हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है वो 30,000 रुपये तक मिलती है। अगला क्या, गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ, इसमें से कितनी राशि की कटौती मिलेगी? भाई कोई बकाया किराया है और 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ है, तो इसमें से कुछ नहीं कर रहा है, 30% हम क्या कर देंगे, डिडक्शन निकाल देंगे एनुअल वैल्यू का। मतलब हमको 30,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी, इसमें 30,000 रुपये का ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाली मकान की आय होती है। मतलब ऐसा बिजनेस स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाली मकान की आय, मतलब अपना मकान है और उसमें सेल्फ का बिजनेस चलता है, उस मकान से जो इनकम होती है तो क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको पीछे पढ़ाए थे, ये आप लोग बताइएगा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, हिंट दे ही दिए हैं।
अगला क्वेश्चन है, मकान संपत्ति आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती मिलती है, भाई कितना मिलता है? तो भाई ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जो हमको डिडक्शन मिलता है वो एनुअल वैल्यू का 30% मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो मिलता है वह बनता है कि ये 30% डिडक्शन क्यों मिलता है? तो इसके भी पीछे रीजन है कि जो भी मकान किराए पर उठाया गया है, जो मकान किराए पर उठाया गया उस पर कुछ खर्चे होते हैं। अब खर्चे कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत ये माना गया है कि वो खर्चे 30% से अधिक नहीं होंगे, इसलिए उसके रेंट में से या एनुअल वैल्यू में से 30% डिडक्शन घटा दिया जाता है। तो यहाँ वार्षिक मूल्य का क्या है? 30%। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयकर किस प्रकार की आय पर लगता है, मैंने पूछ रहा है इनकम टैक्स जो है वो किस टाइप के इनकम पर लगता है, वैधानिक आय पर, अवैधानिक आय पर, दोनों पर, कोई नहीं भाई, चाहे इनकम कैसी हो, लीगल हो अनलीगल हो, कैसी भी है इनकम है, बस पैसा कमा रहा है, एग्जम्प्टेड लिमिट से ज्यादा है उस पर टैक्स लगेगा, तो दोनों तरीके क्या है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग अक्सर कंफ्यूज में आ जाते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 कब लागू हुआ, तो धड़ लोग कहते हैं 1961 में लागू हुआ, बिल्कुल नहीं, यह आयकर अधिनियम हमारा जो 61 है वो हमारा 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। देखिएगा ऑप्शन में 1 मार्च 1961 गलत, और भी ऑप्शन होंगे नीचे दिए होंगे, यहां दिया है 1 अप्रैल 1961, ये भी गलत, 1 अप्रैल 1962 यही सही है, अर्थात इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो लागू हुआ पूरे देश में वो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। अगला है, शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती किस धारा के अंतर्गत मिलती है, मतलब एजुकेशन लोन जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स है जिसके पढ़ाई के लिए बैंक से फाइनेंस कराते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, वो पूछ रहा है कि उस पर ब्याज की डिडक्शन किस सेक्शन के अंतर्गत मिलती है, तो मुझे वही याद रखिएगा सेक्शन 80E, पीछे भी था क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान पर कटौती मिलती है, देखिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो डोनेशन दिया जाता है, पूछा जा रहा है कि इस पर कितना परसेंट कटौती मिलती है, 50%, 25%, 100%, 30%, बताइए। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ गिने चुने 50% वाले नाम हैं उसको याद कर लीजिएगा, बाकी सारा 100% वाले है। ये कितना है, कौन सा कटौती मिलेगा, 50% की 100%, ध्यान दीजिएगा, इसमें 30% तो होगा नहीं है, 25% होगा नहीं, क्योंकि दान के संबंध में दो ये टाइप का मिलता है, 50% नहीं तो 100%। अब बताइए कितना मिलेगा, पचास परसेंट मुझे वानी बता दे रहे प्रधानमंत्री, नहीं जी 100% मिलेगा, कितना मिलेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान 50% ये 100%, ये कट इनमें से दो एक होगा, कोई एक होगा, अब आप लोग कमेंट करके बताइए 50% मिलेगा कि 100% मिलेगा, देखते हैं कितनी तैयारी है। अगला है, कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है, भाई असेसमेंट ईयर हमेशा ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, गत वर्ष कभी भी शुरू हो सकता है लेकिन कर निर्धारण वर्ष केवल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, आंसर पहला। अगला क्वेश्चन, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है, मतलब एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, वर्क है, नाम ही बता दिए तो जान ही गए होंगे,
डॉक्टर का काम भाई पैसा है, व्यवसाय नहीं। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यहाँ तक टीचर्स भी है, ठीक ना, लायर हो, ठीक ना, आर्किटेक्चर हो, या ऐसे ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट किसी वाला वर्क हो, ये सब प्रोफेशन होता है। अस्वीकृत व्यय को छांटिए, मतलब पूछ रहा है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है, पीछे आ चुका है। माल व सेवा कर, आयकर निर्धारण व्यय, आयकर, मशीन पर हरास, इसमें से एक ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि इसको पीछे पढ़ा चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेन का अर्थ होता है, पेन माने दर्द वाला दर्द नहीं, दर्द वाला पेन नहीं, इनकम टैक्स में पेन का क्या अर्थ होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता संख्या पहला ही होता है। पेन कार्ड जारी किया जाता है, पूछ रहा है कि जो हम लोग के पास पेन कार्ड रहता है इतने बड़ा प्लास्टिक का, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? भाई उस पर छपा होगा एकदम मेन फ्रंटे पे कि कौन उसको जारी करेगा। भाई आयकर विभाग जारी करेगा, देखे लिखा रहता है आयकर विभाग। अगला हमारा है 85 नंबर क्वेश्चन, अभ्यस्त की आय शामिल की जाती है। अभ्यस्त किसको कहा जाता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। भाई अभ्यस्त यदि कमाता है 1500 रुपए तो भाई एग्जम्प्ट होता है, लेकिन 1500 रुपए से अधिक कमाता है तो माता पिता जिसकी आय अधिक हो उसकी आय में शामिल किया जाता है। देखिए पिता या माता जिसकी आय ज्यादा हो उसमें हम शामिल कर लेते हैं। अगला है आय के मिलान, मतलब क्लबिंग इनकम से संबंधित धारा, क्लबिंग इनकम से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं? धारा 60 से 69, 60 से 64, 60 से 67, इनमें से कोई नहीं, तो 60 से 64 धारा जो है वो क्लबिंग इनकम से रिलेटेड होता है। अगला हमारा है, एक कंपनी के लिए आयकर विवरणी है, मतलब एक कंपनी के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो क्या है? दाखिल करना जरूरी होता है, दाखिल करना जरूरी नहीं होता है, केवल लाभ होने की दशा में दाखिल करना जरूरी होता है, केवल हानि होने के संबंध में जरूरी होता है? भाई एक कंपनी अपना आईटीआर दाखिल करना किस सिचुएशन में होता है जल्दी से बताइए। देखिए हानि हो या न हो कोई मतलब नहीं है, लाभ हो या न हो कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है ये भी कोई मतलब नहीं है, केवल पहला ऑप्शन होता है। यदि ये कंपनी है चाहे सिचुएशन कोई भी हो उसको आईटीआर दाखिल करना जरूरी होता है। अगला है घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय, मतलब ये घर का कोई फर्नीचर मेज कुर्सी टेबल जो भी है उसको बेचने से इनकम होती है, तो पूछ रहा है क्या है, कर योग्य है, कर मुक्त है, पूंजी लाभ है, आयगत लाभ है, बताइए कौन सा होगा, क्या होगा? सही आंसर होगा कर मुक्त। भाई घर का फर्नीचर बेच दिए कहीं कबाड़े में, चाहे जितना भी पैसा मिला वो इनकम थोड़ी है, वो कर मुक्त है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्ति के लिए आयकर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य होता है? पूछ रहा है वो किस टाइप के आदमी होते हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी कंपलसरी होता है। गत वर्ष में किसी व्यक्ति की कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो बिल्कुल इनको जरूरी है, आयकर समिति इनको भी जरूरी है, कंपनी इनको भी जरूरी है, भाई सबको जरूरी है, जो नाम दिया उसमें से। अगला कह रहा है यदि आप घर में स्वयं रह रहे हैं तो आप अपने गृह ऋण के ब्याज की कटौती का दावा कितना कर सकते हैं? मतलब ऐसा घर बनवाए हैं जिसमें आप अपने रहने के लिए लिए हैं और उस मकान को बनवाने के लिए हाउस लोन लिए हैं, तो उस ऋण पर ब्याज की कटौती कहाँ तक की जा सकती है? 2 लाख रुपए तक, 10% तक, 50,000 रुपए तक, इसमें से कोई नहीं,
तो भाई 2 लाख रुपए तक की कटौती प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे 91। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कृषि आय के प्रकार है, मतलब कृषि आय कौन कौन, कृषि आय के कौन कौन से प्रकार। कृषि भूमि से प्राप्त किराया, कृषि भूमि से प्राप्त किराया, दोनों देखिए दोनों में चेंजिंग है। कृषि भूमि से प्राप्त किराया, कृषि भूमि से प्राप्त लगा, कृषि भूमि की उपज को बेचने से प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, किसी जमीन से माने किसी एग्रीकल्चर लैंड से हम रेंट प्राप्त कर रहे हैं तो भी कृषि आय है। किसी कृषि भूमि से हम लगान प्राप्त कर रहे हैं तो भी कृषि आय है। कृषि भूमि की उपज को जब तैयार हो जा रहा है उसको बेचा जा रहा है और आय प्राप्त कर रहे हैं तो भी कृषि आय है। तो तीनों ही कृषि आय है, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जाती है, ये आप लोग बताएंगे कहां से। सट्टा व्यापार की आय से, सट्टा गैर सट्टा व्यवसाय की आय से, किसी आय के किसी भी शीर्षक से, किसी भी आय से नहीं। मतलब पूछा जा रहा है कि यदि सट्टा व्यापार से हमें हानि हो रही है तो इसकी पूर्ति किससे की जा सकती है, हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाने के संबंध में ये बात कहा गया। इसमें कहा है कि सट्टा व्यापार से यदि हानि हो रही है तो इसे सट्टा व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए ही सही है। ठीक ना, और किसी आय से नहीं पूरा किया जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त ब्याज को परिभाषित किया गया, मतलब पूछ रहा है कि इनकम टैक्स का वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कर मुक्त ब्याज, मतलब कि ब्याज की राशि कर मुक्त होती है। कौन कौन सी ब्याज की राशि कर मुक्त होती है वो अलग चीज है, लेकिन ब्याज कर मुक्ति की बात किस सेक्शन में किया गया है, धारा 10, 15, 10, 12, 2, 10 और 10। तो बताइए किस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है, अंदाजे लगा सकते हैं धारा 10, 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है कि कंपनी के निवास स्थान आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत स्पष्ट किया गया, मतलब कि एक कंपनी की निवासी स्थिति को जो निर्धारित किया गया है वो किस सेक्शन में किया गया है, धारा 6, 3, 6, 2, 2, 3, 3, 6। बताइए, तो ये भी आंसर ए होगा, धारा 6-3 के अंतर्गत कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 96 की ओर बढ़ते हैं। 96 हमारा क्वेश्चन कहता है कि नगर पालिका कर क्या है। भाई नगर पालिका कर क्या है, जैसे देखते होंगे टाउन एरिया में कोई मकान रहती है जो रेंट ओवर पे उठी रहती है, तो नगर पालिका वहां के क्या करती है, नगरों की साफ सफाई, बिजली, सड़क वगैरह की व्यवस्था, नाली की सुविधा, इन सब सुविधाओं के मूल्य के बदले वहां के जो मकाने होती हैं उससे टैक्स वसूल करती है, उसी को नगर पालिका कर कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन में नगर पालिका कर क्या है, स्थानीय नगर निगम को भुगतान की जाने वाली एक वार्षिक राशि, मतलब एनुअल अमाउंट, स्वयं के कब्जे की संपत्ति का वार्षिक मूल्य, किराए पर दी गई संपत्ति इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है किसी स्थानीय नगर निगम के को भुगतान जो अमाउंट की जाती है सालाना, मतलब किसी टाउन एरिया में जो मकाने हैं उसके बदले एवज में, तो उसी को नगर पालिका कर कहा जाता है। अगला है कि भवन निर्माण से पूर्व ऋण भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत है। कह रहा है कि कोई हमें बिल्डिंग बनवाना है, बिल्डिंग बनवाने से पहले जो पूर्व ऋण भुगतान की गई है उसकी कह रहा है ब्याज की कटौती राशि कितनी स्वीकृत होगी, 8 वर्षों में 2 किस्तों में, 4 वर्षों में 1 किस्तों में, 7 वर्षों में 3 किस्तों में, 5 वर्षों में 3 किस्त। भाई ब्याज की राशि को 5 वर्षों में 5 किस्तों में विभाजित किया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
कि एक कंपनी किसी भी गत वर्ष में असाधारण निवासी हो सकती है कि नहीं हो सकती। पूछा जा रहा है कि एक कंपनी किसी गत वर्ष में असाधारण निवासी क्या होती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं होती है। क्योंकि जब एक कंपनी है, इसकी ये तो दो ही स्थितियां हो सकती है, एक तो या तो निवासी या तो एक अनिवासी, मतलब एक कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चालू वर्ष का ह्रास किस आय में से अगले वर्षों में पूरा किया जा सकता है। मतलब पूछ रहा है कि जो करंट चालू वर्ष में, चालू वर्ष का ह्रास माने करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, पूछ रहा है कि किस आय में से अगले वर्ष पूरा किया जा सकता है। बताइए, पूंजी लाभ से किया जा सकता है, सामान्य व्यापार की आय से की जा सकती है, कि मकान संपत्ति से की जाती है, कि सबसे की जाती है। तो भाई सबसे की जा सकती है, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसे राइट ऑफ किसी भी इनकम से हम जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। अल्पकालीन हानि की पूर्ति किससे की जा सकती है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, लॉटरी की आय से, वेतन की आय से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है, ठीक ना, इसकी पूर्ति शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से की जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसकी पूर्ति केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही की जाती है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अल्पकालीन पूंजी हान की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभ से की जा सकती है, बाकी ये जो दिया है उसमें से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 101 पे आ गए हम लोग। कह रहा है कंपनी गत वर्ष में निवासी मानी जाती है। पूछा जा रहा है कि ये कंपनी गत वर्ष में निवासी मानी जाती है। भाई बताइए, एक कंपनी गत वर्ष में निवासी कब मानी जाती है, जब वह एक भारतीय कंपनी हो, बिल्कुल। गत वर्ष में कंपनी का लाभ 20,000 से अधिक हो, बिल्कुल नहीं। गत वर्ष में कंपनी का संपूर्ण नियंत्रण प्रबंध भारत द्वारा हो, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए और सी। ठीक है, किराए पर उठे हुए मकान के लिए ऋण पर ब्याज की कटौती की सीमा क्या है। मतलब ऐसा मकान जो रेंट पर उठा हुआ है, पूछ रहा है कि उस मकान को बनवाने के लिए ऋण लिया गया है, तो उस ऋण पर ब्याज की कटौती की लिमिटेशन क्या दी गई है, 30,000, 1,00,000, 2,00,000, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कौन सा हो सकता है, जब मकान किराए पर उठा हुआ हो तो उस पर ऋण पर ब्याज की कटौती 2,00,000 रुपए तक मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैधानिक कटौती दी जाती है, मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, किसका, ये भी हाउस प्रॉपर्टी का है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 20% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 15% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, इनमें से कोई नहीं। भाई एनुअल वैल्यू का हमारा 30% वैधानिक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा होता है। ठीक ना, अगला है, गत वर्ष में एक कंपनी अनिवासी मानी जाएगी। गत वर्ष में एक कंपनी अनिवासी मानी जाएगी यदि अनिवासी वह भारतीय कंपनी हो, बिल्कुल नहीं। वह एक भारतीय कंपनी नहीं है, वह विदेशी कंपनी है। ठीक ना, ये भी सही है, ये भी सही है, सही ऑप्शन बी और सी है। मतलब वो भारतीय कंपनी न हो, या ऐसी कंपनी जिसका प्रबंध नियंत्रण भारत द्वारा न किया जाता हो, तो उसे अनिवासी कंपनी माना जा सकता है। यदि वो भारतीय कंपनी होगा तो निवासी होगा। आगे बढ़ते हैं, मकान संपत्ति की हानि अगले वर्ष में पूरी की जा सकती है। पूछा जा रहा है यदि मकान संपत्ति से यदि हानि हो गया तो अगले वर्ष किससे पूरा किया जा सकता है, मकान संपत्ति की आय से, कि पूंजी लाभ से, कि वेतन की आय से, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, मकान संपत्ति को यदि हाउस प्रॉपर्टी से यदि हानि हो रही है, लॉस हो रही है, इसे अगले वर्ष किससे भाई पूरा किया जाएगा, जल्दी से बताइए।
भाई उस साल तो कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन अगले साल करने की बात है तो उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही पूरा किया जाएगा। अगला है मकान संपत्ति की हानि अगले वर्ष तक पूरी की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है, बस फर्क इतना है इसमें पूछा जा रहा है किस इनकम से, किस हेड से पूरा किया जाएगा, और इसमें पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में, अगले कितने वर्षों में पूरा किया जाएगा। तो भाई मकान संपत्ति से यदि हानि होती है तो उसे अगले कर निर्धारण अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में पूरा किया जा सकता है, ठीक ना। ये सब मुझे वाणी याद रखे रहिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय होती है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड से जो किराया प्राप्त होता है वो कौन सी आय है, कृषि आय है, मकान की आय है, भूमि की आय है कि लाभ है। भाई कृषि भूमि को किराए पर देने से यदि आय प्राप्त होगी तो कृषि आय ना होगी, और तो कोई आय तो होने के चांस ही नहीं है। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, कृषि आय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये है धारा, धारा 80। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि धारा 80 किससे संबंधित है, तो भाई यह एजुकेशन पर जो लोन लिया गया है, एजुकेशनल लोन, उससे संबंधित है। तो दान के संबंध में तो है नहीं, देखिए ऑप्शन भी बना होगा इसमें, देखते हैं कौन कौन ऑप्शन दिया है। देखिए ये ऑप्शन दिया है, चिकित्सा पर व्यय ये होगा नहीं, उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण के भुगतान के संबंध में कटौती, इस पे क्या होता है अंडर सेक्शन 80E की कटौती मिलती है, अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है धारा 80G की कटौती किससे संबंधित है, मुझे वाणी याद रखिएगा दान के संबंध में, किराया होगा नहीं, रॉयल्टी होगा नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा नहीं, तो दान के संबंध में कटौती प्राप्त होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है फार्म हाउस के प्रबंधक को मिलने वाला वेतन, जैसे मान लीजिए ये बड़ी सी जमीन होती है इसको फार्म हाउस बना देते हैं, अब जब बड़ा रहेगा तो कोई ना कोई उस फार्म हाउस का मैनेजर नियुक्त किया जाएगा, अब मैनेजर होगा तो उसको सैलरी भी दिया जाएगा, तो ऐसा कोई फार्म हाउस किसी बड़े आदमी का, रईस आदमी का फार्म हाउस है और उसका एक मैनेजर है, तो उस मैनेजर को सैलरी दिया जाता है, तो उसको मिलने वाला जो सैलरी होता है वो पूछ रहा है किस तरह किसकी आय में शामिल किया जाता है। तो भाई फार्म हाउस का वेतन मिल रहा है उसके मैनेजर को, तो वेतन से आय में शामिल किया जाएगा, और कहाँ किया जाएगा, फार्म हाउस से हमको थोड़े मिला है, वो तो मैनेजर को वेतन मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि गत वर्ष का अर्थ क्या है, गत वर्ष का मतलब है कि जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसे गत वर्ष कहा जाता है, कर या ऐसे भी समझिए कि जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पीछे वाला वर्ष होता है उसे भी गत वर्ष कहा जाता है। तो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वर्ष को क्या कहते हैं, गत वर्ष कहते हैं, शैक्षिक वर्ष होगा नहीं, पंचांग वर्ष ये सब होगा नहीं। तो दोनों तरीके का डेफिनेशन है कि जिस वर्ष करदाता आय कमाता है उसे भी गत वर्ष कहते हैं, या जिस वर्ष जो कर निर्धारण वर्ष होता है उसके ठीक पिछले वाले वर्ष को भी गत वर्ष कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य व्यापार की हानि को अगले वर्षों में पूरा किया जा सकता है। सामान्य व्यापार का मतलब बिजनेस से कोई यदि हमें लॉस हो रहा है, पूछा जा रहा है कि अगले कितने वर्षों में उसे पूरा किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दो ही चीज है जिसका 4 कर निर्धारण वर्षों में हानि को पूरा किया जाता है, बाकी सब 8 वर्ष है। वो क्या है, ठीक आ गया, दो ही है। अब देखिए एक सट्टा व्यापार से हानि है, इसे अगले 4 कर निर्धारण वर्षों में पूरा किया जा सकता है। एक लॉटरी घुड़दौड़ है, घोड़ों के रख रखाव से हानि है, उसे भी अगले लॉटरी करें घोड़ों के रख रखाव से हानि, उसे अगले 4 कर निर्धारण वर्षों में पूरा किया जा सकता है। बाकी जितना है माने मैक्सिमम जो मेन हेड है, ठीक ना, उनकी हानि की पूर्ति अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में की जाती है। तो व्यापार से हानि है तो इसे 8 कर निर्धारण वर्षों में आगे बिजनेस इनकम से पूरा किया जा सकता है। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, चौकसी कमेटी का संबंध किससे है, आपको पढ़ाए भी थे इनकम टैक्स में,
कि चौकसी कमेटी का संबंध सीधे किससे है, इनकम टैक्स से संबंध है, क्योंकि इनकम टैक्स पे जो कानून बना तो उस पे जो कमेटी गठित की गई, दो कमेटियां गठित की गई थी, जिसमें से एक मुख्य कमेटी है चौकसी कमेटी, इसका संबंध किससे है, आयकर से। आगे बढ़ते हैं। उद्गम स्थान पर कर का काटा जाता है। उद्गम स्थान पर कर का मतलब होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। प्राप्ति मानी जाती है, व्यय मानी जाती है, न प्राप्ति मानी जाए न व्यय मानी जाए, जुर्माना माना जाए, भाई इसमें ऑप्शन के हिसाब से प्राप्ति मानी जाएगी, क्योंकि टीडीएस तब काटा जाता है जब इनकम प्राप्त होती है। नेक्स्ट 115 नंबर माने 115 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक एक्स वाई जेड कंपनी है कोई भी, ने राम को एक शोरूम 30,000 रुपये मासिक किराए पर लिया। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई कंपनी ने राम से 30,000 रुपये महीने किराए पर एक शोरूम लिया। थोड़ा सा छोटा इसको कर दे, उधर भी है ना, यहां दिखा दे रहा है। क्वेश्चन है, एक्स वाई कंपनी ने राम से एक शोरूम 30,000 मासिक किराए पर लिया। कंपनी वित्तीय वर्ष 23-24 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती करे। अब आपसे पूछा जा रहा है इस पर कितना टीडीएस काटा जाएगा, बताइए कितना टीडीएस काटा जाएगा। एक शोरूम किराए पर लिया गया तो क्या इस पर टीडीएस कटेगा? हमें तो लग रहा है कि नहीं कटेगा भाई। अब क्यों नहीं कटेगा? एक्स वाई जेड कंपनी ने राम से एक शोरूम 30,000 महीना किराए पर लिया। ये आदमी जब किराए पर लिया है तो इसको पैसा दिया जा रहा है राम को, और ये किस लिए ले रहा है? बिजनेस पर्पस से ले रहा है। पूछ रहा है कि इस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती कितनी कटेगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। केवल बस यह बताना है आपको कि एक आदमी अपना मकान किसी को किराए पर दे रहा है और उससे किराया प्राप्त कर रहा है, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं, पहला। और यदि नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कटेगा तो कितना कटेगा? बहुत ट्रिपिकल क्वेश्चन है, आंसर आपका इसी में छुपा हुआ है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कृषि आय कर मुक्त होती है? पूछ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1960 एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। धारा 10(1), 10(2), 10(3), 10(4), पहला ही होगा 10(1)। एक अभ्यस्क बच्चे की आय निम्न में से किसकी कुल आय में शामिल की जाती है? मतलब एक माइनर चाइल्ड है, ठीक ना, जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो बच्चा कुछ इनकम कमा रहा है। पूछा जा रहा है कि किसकी कुल आय में शामिल किया जाएगा। भाई जब 1500 रुपया से अधिक होगा तो माता पिता जिसकी आय अधिक होगी उसी की आय में शामिल किया जाएगा। लिखा है माता पिता जिसकी आय अधिक हो उसी की आय में शामिल किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक पीछे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को जितना मैं बता रहा हूं, जब एग्जाम होगा ये नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है ऑप्शंस वगैरह चेंज हो, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करके दिया हो, लेकिन रहेंगे सारे यही चीज। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार पढ़िएगा, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िएगा। पढ़ते समय जितनी बार पढ़िएगा थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा,
अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक में भी जैसा लगता है कि पैसा लगता है कि लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, तो कम से कम अटेंडेंस तो लगा दिया करिए। नेक्स्ट आगे एक अभ्यस्त बच्चे की आय अभिभावक करदाता की आय में जोड़ी जाएगी यदि। देखिए क्वेश्चन यही है, कई तरीके से घुमा फिरा के कहा। यहां पे कह रहा है कि एक अभ्यस्त बच्चे की आय माता पिता की आय में जोड़ी जाएगी कब, जब उसकी आय 1500 रुपये से अधिक हो। पिछला भी क्वेश्चन वही था, सेंस बस अंतर था। उसमें कहा गया था कि एक अभ्यस्त बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाती है, माता पिता जिसकी आय अधिक हो। यहां क्वेश्चन कह रहा है एक अभ्यस्त बच्चे की आय अभिभावक की आय में शामिल की जाएगी यदि, कब, जब उसकी आय 1500 रुपये से अधिक हो तब। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्ति की कुल आय 2,30,992 रुपये है, पूर्णांकित राशि क्या होगी। मतलब एक आदमी की टोटल इनकम हमारी इतनी है। अब इसको कह रहा है कि यदि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम कितना लिखेंगे। तो आपको एक और क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बताए थे कि ये जितना भी अमाउंट लिखा है इसका लास्ट का डिजिट 5 रुपीज माइनस है तो छोड़ देंगे, 5 रुपीज यदि प्लस है तो उसको 10 रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ लिखा है 2,30,992, तो ये जो आखिरी जो फिगर है वो 5 रुपए से कम है, तो इसको राउंड ऑफ में लिखेंगे 2,3,990 लिखा जाएगा। तो देखिए कहीं है 990, ये है ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहां कहा जा रहा है कि 9 वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1,00,000 रुपया। कह रहा है कि 9 वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1,00,000, इस राशि में से कटौती मिलेगी। भाई किराया तुरंत मिले या किराया बाद में मिले। जैसे मकान को किराए पे दिया जाता है तो किराया मिल गया। सपोज करिए कि किराया नहीं मिला, कि अगला किराएदार ने बकाया लगा दिया, 6 महीना बाद दिया, तो बाद में भी तो किराया दिया, तो जितना किराया प्राप्त होगा तो सब पर 30% कटौती मिलती है, मानक कटौती। तो 1,00,000 का 30% कितना हो जाएगा, 30,000। कितनी कटौती मिलेगी, 30,000 मिलेगी, क्योंकि एनुअल वैल्यू में से हम क्या घटाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं 30% एनुअल वैल्यू का, और इंटरेस्ट ऑन लोन घटाते हैं, और तो कुछ घटाते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा बड़ा करें वो। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है, माने हाउस प्रॉपर्टी इनकम की जब गणना करते हैं तो जो इनकम की गणना का बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, नगरपालिका मूल, रात किराया, मानक किराया, वार्षिक मूल्य। तो सही आंसर है वार्षिक मूल्य ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम की गणना का आधार है, बेस है। निवास स्थान के आधार पर करदाता को कितने भागों में बांटा गया, माने रेजिडेंस के बेस पर जो हमारे एसएससी हैं, करदाता हैं, उसके कितने भागों में विभाजित किया गया। भाई 3 भागों में विभाजित किया गया, ये तो मालूम ही है कौन कौन से, ना निवासी, इसी को हम साधारण निवासी भी बोलते हैं, ठीक ना, असाधारण निवासी, अनिवासी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा होगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसमें कि पूंजी लाभ की गणना किस धारा के अंतर्गत की जाती है। पूछा जा रहा है कि कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है, तो बताइए। धारा 47, 51, 48, 47, 2 बार हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 48 के अंतर्गत की जाती है। किस सेक्शन के अंतर्गत की जाती है, सेक्शन 48।
यहाँ कह रहा है दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर टैक्स कितना लगाया जाता है। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक डेट याद रखिएगा, 20% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। वहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो 15% हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से जापान जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम कितना दिन रुकना या ठहरना होगा। पूछा जा रहा है कि यदि एक भारतीय नागरिक रोजगार के उद्देश्य से, कमाने के उद्देश्य से विदेश जाता है, तो उसे भारत में निवासी बनने के लिए उस गत वर्ष में कितना दिन रहना चाहिए या रहना पड़ेगा। 180 दिन, 82 दिन, 84 दिन, 85 दिन, सही ऑप्शन क्या है 182 दिन। यदि कोई एक भारत का नागरिक, जैसे देखते होंगे कि हम ही आप लोग हैं के बीच में कुछ लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, अगल बगल कंट्री में भी जाते हैं कमाने के लिए, तो यदि वो चाहता है कि भारत में निवासी हो तो उसे गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा, नहीं तो नॉन रेजिडेंस इन इंडिया वो रहेगा। वार्षिक मूल्य अधिनियम की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत की गई है, मतलब एनुअल वैल्यू किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन की गई, धारा 24 ए, धारा 23, धारा 18-2, इनमें से कोई नहीं, तो धारा 24 एक में कहा गया है एनुअल वैल्यू के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ह्रास स्वीकृत होता है, कहने का मतलब है ह्रास अलाउड होता है। डेप्रिसिएशन पूछा है कि किस पर लगाया जाता है, अस्थाई संपत्ति पर, अस्थाई संपत्ति पर, दृश्य संपत्ति पर, दृश्य या अदृश्य संपत्ति पर। बल्दी जल्दी से बताइए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो ये क्वेश्चन पूछा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, यह जो डेप्रिसिएशन है अकाउंट के थ्रू आप यदि पढ़ते हैं तो फिक्स दिखेगा कि फिक्स एसेट्स पर लगाया जाता है, लेकिन यहां पे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि ह्रास किस पर लगाया जाता है। अकाउंट्स के रूल के हिसाब से यदि चलेंगे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स एसेट्स पर किया जाता है, लेकिन टैक्स के बेस पर यदि हम चलते हैं तो डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है, भाई वो संपत्ति दृश्य हो या अदृश्य हो, इस पर चार्ज किया, चाहे टेंजेबल हो चाहे इनटेंजेबल हो, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, क्योंकि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है, इनटेंजेबल एसेट्स है, और लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट्स, ये क्या है, टेंजेबल एसेट्स है। शिक्षा उपकर कितना है, भाई ये तो मुझे वानी याद हो करिएगा, 4% है। कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो रिवीजन ही आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला करदाताओं के लिए कर निर्धारण वर्ष 23-24 में कर मुक्त सीमा क्या है। इसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं कही है, बस इतना ही कहा है कि एक महिला करदाता है। भाई करदाता चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब पे एक समान रेट से टैक्स लगाया जाता है। तो भाई असेसमेंट ईयर 22-23 की बात कही गई है और 2,50,000 है प्रेजेंट टाइम में, तो अभी 3 ही महीना हुआ है, अब देखते हैं आगे कैसे जो बुक आ रही है तो उसके बेस पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है अमेरिका में स्थित मकान संपत्ति की आय करी होगा, मतलब एक मकान है जो अमेरिका में है, उस वहाँ पर हम किराया से चाहे जैसे भी उस मकान से इनकम प्राप्त करते हैं। पूछा जा रहा है कि अमेरिका में स्थित मकान संपत्ति की आय कर योग्य है, मतलब वहां मकान संपत्ति से यदि आय कमा रहे हैं किस सिचुएशन में कर योग्य है, निवासी की दशा में, अनिवासी की दशा में, असाधारण निवासी की दशा में, किस सिचुएशन में कर योग्य है। भाई तो केवल एक ही सिचुएशन में कर योग्य होती है, केवल निवासी की दशा में। ठीक है, ये तो हो ही गया। 31 ध्यान दीजिएगा,
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ये बारूद है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा। यही सब क्वेश्चन मॉडिफाई करके, चेंज करके, एग्जाम में कुछ घुमा के, कुछ वर्ड यूज करके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकम टैक्स में यदि आता है, आप पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा पानी पी ले अब। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है। देखिए, सट्टा से यदि हानि हो गई, सट्टा के व्यापार से, तो इसकी पूर्ति किससे की जाएगी? भाई, सट्टा के व्यापार से यदि हानि होती है तो केवल हम सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा कर सकते हैं और किसी से नहीं पूरा कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बताए थे। पात्र व्यवसाय के अनुमानित लाभ का प्रतिशत कितना है? पात्र व्यवसाय का जो अनुमानित लाभ का प्रतिशत कितना होता है? 4%, 8%, 12%, 15%, जल्दी से बताइए कितना परसेंट होता है भाई? ये आपका होता है 8%। ये शायद रिपीट क्वेश्चन है या इसी तरह एक क्वेश्चन आया था। ध्यान दीजिएगा, पात्र व्यवसाय की कुल बिक्री की सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़। पात्र व्यवसाय की बिक्री की सीमा कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़। पेंशन फंड में अंशदान किस धारा से संबंधित है? किसी पेंशन फंड में पैसा हम कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, तो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? 80C, ठीक ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC और पेंशन फंड। अब ये देखिए क्वेश्चन, कौन सी आय को पूर्णांकित किया जाता है? पूर्णांकित का मतलब है कि अभी मैं बताया था राउंड ऑफ। किस इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है? भाई, एक ही इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है, टोटल इनकम को, ना कि सकल आय को। किसको किया जाता है? टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है और किसी को नहीं। मानक कटौती की दर कितनी होती है? देखिएगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा कितना होता है भाई, बताइए? मानक कटौती की दर कितनी होती है? अभी पीछे बताया है, कम से कम अपोलो सॉल्व करिए, 30% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग बताए थे, मैंने बताया था, मकान के सकल वार्षिक मूल्य से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। गत वर्ष में किराएदार द्वारा जमा राशि, गत वर्ष में मकान स्वामी द्वारा जमा राशि, गत वर्ष में देय राशि। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से एक होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये होगा कि बी होगा। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है, क्वेश्चन में अभी मैं बताया था अलग से। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जब होता है तो इसको हम पूरा केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यदि होता है तो इसको पूरा दो तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, दोनों से पूरा कर सकते हैं। तो इसको किससे पूरा करेंगे? केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गए ये धारा 44AB। धारा 44AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री कितने रुपए से अधिक होनी चाहिए। धारा 44AB के अंतर्गत जो हिसाब किताब मेंटेन करके उसका ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, लेकिन तब कंपलसरी होता है जब उसकी सकल बिक्री यानी कुल बिक्री कितनी हो। बताइए कुल बिक्री कितनी होनी चाहिए? यदि वो 40 लाख से अधिक का बिजनेस करता है तो उसको ऑडिट कराना कंपलसरी है। आय में सम्मिलित करने को कहते हैं, आय में सम्मिलित करने को कहते हैं आय को बढ़ाना, आय का मिलाना, आय का संकलन, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए कौन सा है? आय को, आय में सम्मिलित करने को क्या कहा जाता है? क्लबिंग इनकम, आय का मिलाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभ्यस्क बच्चे की आय की व्याख्या किस धारा में की गई है। अभ्यस्क बच्चा, बच्चा कई कई क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, उस सेक्शन है, इसमें पूछ दिया कि अभ्यस्क बच्चे के जो एक्सप्लेनेशन है किस सेक्शन में किया गया है। 64 A, 60, 68 इनमें से कोई नहीं, भाई 64 A में किया गया। नेक्स्ट कह रहा है, खड़ी फसल को ओलावृष्टि से हुई हानि। ओलावृष्टि माने क्या? बर्फ गिर गया, पत्थर गिर गया आसमान से, ऐसे समझिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक ना। खड़ी फसल की ओलावृष्टि से, मतलब जैसे देखे होंगे बारिश का मौसम है, बिजली कड़की, पत्थर गिरना शुरू हो गया बारिश के साथ, पानी के साथ, उसको ओलावृष्टि कहा जाता। हानि के संबंध में बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि को माना जाता है। सपोज करिए कोई फसल है खड़ी, उसका हमने इंश्योरेंस कराया है, आसमान से पत्थर बरसने लगे, ओलावृष्टि हुई और फसल हमारी नष्ट हो गई, बीमा कंपनी ने हमको क्षतिपूर्ति दी, मुआवजा दिया, हर्जाना दिया। पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की आय माना जाएगा, गैर कृषि आय, मूल कृषि आय, अन्य कृषि आय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या माना जाएगा इसमें से। ये भाई, ये अन्य कृषि आय माना जाएगा, गैर कृषि आय तो होगा नहीं क्योंकि कृषि क्रिया किया है उसने, मूल कृषि आय तो होगा नहीं क्योंकि खड़ी अपने उपज को बेचने से तो पाया नहीं है, उपज तो तैयार किया है मगर ऊपर से पत्थर गिर गया, नष्ट हो गया, तो वो अन्य कृषि आय की श्रेणी में, कृषि आय है लेकिन अदर एग्रीकल्चर इनकम बोला जाए। अगला, नगर पालिका कर घटाए जाते हैं। भाई नगर पालिका कर कब घटाया जाता है? जब मालिक ने चुकाया हो। नगर पालिका कर तभी हटाया जाएगा वार्षिक मूल्य से जब मालिक ने पे किया हो, न कि किराएदार ने। शुद्ध वार्षिक मूल्य में से किस धारा के अंतर्गत कटौती घटाई जाती है? मतलब पूछ रहा है कि नेट एनुअल वैल्यू में से जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं, वो पूछ रहा है किस अंडर सेक्शन के अंतर्गत है। 24, 23, 23-1, 23-2 बताइए किस सेक्शन के अंतर्गत घटाते हैं? सेक्शन 23-1, ठीक है। निम्नलिखित में से गैर कृषि आय का उदाहरण है, कौन सा इसमें से कृषि आय नहीं है? कृषि कार्यों में संलग्न कंपनी से प्राप्त लाभांश, झील के पानी से नमक होने से आय, डेयरी फार्म से आय। भाई कोई कृषि आय का उदाहरण नहीं है, नहीं, गैर कृषि आय का उदाहरण है। तो भाई सब है, इसमें से कोई कृषि आय नहीं है। एक कंपनी से लाभांश प्राप्त कर रहे कृषि आय है ना, एक झील के पानी से नमक बना रहे हैं तो कृषि आय है नहीं, डेयरी फार्म से कमा रहे हैं तो कृषि आय है नहीं, सब गैर कृषि है। गैर कृषि आय मतलब व्यवसाय का। अगला क्वेश्चन, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती क्या होती है? कह रहा है कि एक ऐसा मकान जो किराए पर उठा हुआ है, लेकिन उस मकान के निर्माण के लिए ऋण लिया था और उस पे ऋण पर ब्याज हो रहा है, तो ब्याज पर कितना अधिकतम कटौती मिलेगा? भाई 50,000, 10,000, 1.5 लाख, कोई नहीं, बताइए कौन सा मिलेगा? कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए जो ऋण पर ब्याज की जो कटौती होती है 2 लाख रुपए तक मिलता है, ठीक ना, तो इसमें कोई नहीं होगा, मैक्सिमम सीमा उसकी 2 लाख रुपए, क्योंकि अधिकतम लिखा है। यदि स्वयं के रहने के मकान के निर्माण के संबंध में 1/4/1999 के बाद ऋण लिया गया है तो इस पर कटौती होगी, मतलब खुद के मकान, खुद के रहने के लिए मकान बनवाया है और उस पर ऋण लिया है, वो भी ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, तो पूछा जा रहा है कि इस पर कितनी कटौती स्वीकृत होगी, बताइए कितनी कटौती स्वीकृत होगी? 2 लाख रुपए, इसके लिए तो कोई सीमा नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 80 संबंधित है। देखिए कई बार क्वेश्चन आया है भाई, 80 उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती है। मुझे बानी याद रखिएगा, धारा 80 सी की कटौती लागू होती है, मतलब कि धारा 80 सी की कटौती किसको मिलती है भाई? एक व्यक्ति को मिलेगी और एक संयुक्त हिंदू परिवार को मिलेगी, और किसी को नहीं। धारा 80 सी के अंतर्गत कटौती प्राप्त होती है। अब थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है? कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में यदि दान दिया गया है तो 100% सकल कुल आय में से घटता है, वो है आपका धारा 80G। कितना होता है? 80G के अंतर्गत ही दान के संबंध में कटौती मिलती है। यदि करदाता एक कंपनी है तो उसके लिए आयकर विवरण दाखिल करने की तिथि निर्धारित कीजिए। देखिएगा, करदाता एक कंपनी है, ये आप क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन में मैं पीछे बता चुका हूं कि एक कंपनी के लिए ITR दाखिल करने की तिथि क्या होती है, कब तक वो ITR दाखिल कर सकता है। अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2023 को एक्स लिमिटेड ने 1,00,000 रुपए का प्रारंभिक व्यय के लिए स्वीकृत कटौती की। कहने का मतलब 31 मार्च 23 को एक्स लिमिटेड 1,00,000 रुपया प्रारंभिक व्यय पर खर्चा किया। पूछ रहा है कि इस प्रारंभिक व्यय पर कितनी कटौती स्वीकृत होगी, मैंने अलाउड होगी। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक व्यय पर कितनी कटौती मिलती है भाई। तो ये 1/5 मिलती है, कितना? जितना व्यय किया गया उसका। तो इसका 1/5 होगा कितना भाई? 20,000 होगा। देखिए इसमें कहीं 20,000 दिख रहा है, हो गया। बस मालूम होना चाहिए कि कितनी कटौती स्वीकृत होती। यदि करदाता एक व्यक्ति है, व्यष्टि मतलब है व्यक्ति है, तो उसके लिए आयकर विवरण दाखिल करने की देय तिथि निर्धारित की है। ध्यान दीजिएगा, करदाता एक व्यक्ति है न कि कंपनी है, तो इसके लिए इन ITR कब तक दाखिल करना होता है या जरूरी होता है? तो 31 जुलाई तक इसे ITR दाखिल करना जरूरी होता है, याद रखिए। कंपनी 31 अक्टूबर और व्यक्ति 31 जुलाई। अगला क्वेश्चन, नए प्लांट पर अतिरिक्त हरास, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा फिसक गया है। नए प्लांट पर अतिरिक्त हरास की दर क्या होगा? कोई नया प्लांट लगाया उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना परसेंट होता है? 20% ही आपको बता चुके हैं। फिर कह रहा है अशोधित हरास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों तक समायोजित करके आगे ले जाया जा सकता है? जो हमारा अशोधित हरास है इसको अगले अनिश्चित समय तक आगे ले जाया जा सकता है। इसकी कोई टाइम टेबल समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़े बड़े हैं, नहीं छोटे छोटे हैं। पूछा जा रहा है आयकर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बीच में बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी छोटा भी पूछ देता है कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? तो भाई डायरेक्ट टैक्स है। कौन टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। फिर पूछा जाएगा कि दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति किससे की जाती है? याद होना चाहिए केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरी की जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा है। कह रहा है आगे कि हान की
हान की विवरणी दाखिल करना किस धारा के अंतर्गत आता है, मतलब लॉस का आईटीआर दाखिल करना किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। मतलब एक आदमी को यदि लॉस हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, तो भाई वो भी आईटीआर दाखिल करेगा, तब पूछेगा वो किस सेक्शन के अंतर्गत करता है, तो 80 के अंतर्गत करता है। फिर कह रहा है कि ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, मतलब वो कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार लगाता है और वसूल भी करता है, लेकिन इसे पूरा नहीं आया है, थोड़ा सा जूम कर दे, हाँ यहां से कर दे, ठीक है। ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं, मैंने केंद्र सरकार लगाता है, वसूल करता है, लेकिन इसकी प्राप्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बांटी जाती हैं, वो कौन सा टैक्स है। क्वेश्चन है कि वो कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और कलेक्शन भी किया जाता है, मगर वो टैक्स मैंने जितना वसूल किया जाएगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है, वो कौन सा टैक्स आपका कहलाता है, बताइए कौन सा है। वो आयकर है और कोई और नहीं है। किराए पर चलने वाली टैक्स मोटर टैक्सी पर हरास की दर कैसी कितनी है, मतलब ऐसा कोई मोटर कार या मोटर टैक्सी जो भाड़े पर चलता है, पूछा जा रहा है कि ऐसी मोटर टैक्सी पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो भाई याद रखिएगा 30%, नॉर्मली मशीन है तो 15%। अगला क्वेश्चन, आयकर में हरास की गणना की जाती है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है, किस पर की जाती है, पुस्तक मूल्य पर, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, अपलिखित मूल्य पर, जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हरास की गणना किस पर की जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वैल्यू पर। गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व वर्ष से है, गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वर्ष से है, ये किसके संबंध में बात की गई है, वित्तीय वर्ष से, गत वर्ष से, चालू वर्ष से, कैलेंडर वर्ष से, ये बातें किसके संबंध में की गई है, गत वर्ष के संबंध में की गई है, वो तो क्वेश्चन में ही स्पष्ट था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा 80 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है, पूछ रहा है कि धारा 80 ये कहता है कि यदि हायर एजुकेशन के लिए हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हैं तो उस पर ब्याज जो होगा तो कितनी छूट की उसकी सीमा है, कितनी ब्याज मिलेगी, तो भाई पूरी राशि ब्याज की छूट मिलती है एक निश्चित पीरियड तक। फिर वहीं पे है कि वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी, मतलब एक सीनियर सिटीजन पर्सन है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जा रहा है, उस पर जो प्रीमियम दिया जा रहा है, पर वो प्रीमियम कितनी कटौती योग्य होगी, तो बताइए कितनी कटौती योग्य होगी, 10,000, 15,000, 50,000, 25,000, सीनियर सिटीजन है तो भाई 50,000 होगा, सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सकल कुल आय के तत्व हैं, सकल कुल आय के कितने तत्व हैं, भाई वेतन भी है, मकान संपत्ति है, व्यवसाय पैसा भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेस भी है, सब है। आयकर अधिनियम में आय के शीर्षक है, आयकर अधिनियम में आय के कितने शीर्षक है, भाई 5 शीर्षक हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस है, ये सब मुझे क्वेश्चन से याद होने चाहिए आपको। अब इसका बहुत एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बस एक नजर में देखते जाइए, समझते जाइए।
किस आय में से धारा 80G की कटौती नहीं मिलेगी। पूछ रहा है कि नीचे कुछ इनकम दिया गया है, उसमें से किस इनकम के अंतर्गत 80G के अंतर्गत कटौती नहीं मिलेगी। तो इनकम क्या है, वेतन से आया है, मकान संपत्ति से आया है, धारा 111 में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ है, अन्य साधनों से आया है। बताइए इसमें से कौन से हेड के अंतर्गत 80G की कटौती नहीं मिलती है। भाई वही है जो डिफरेंट सबसे दिख रहा है, धारा 111। अगला कह रहा है कि वेतन से आय में धारा 16 के अंतर्गत कौन कौन सी कटौती आती है, माने इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत भी डिडक्शन है और उसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत है। इसमें तीन तरह के डिडक्शन आपके मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती, इंटरटेनमेंट अलाउंस का नियोजन कर या व्यापार कर इसको कहा जाता है। देखिए वो ऑप्शंस होगा यहाँ दिया, उस पर कौन कौन सी कटौती मिलेगी, मानक कटौती भी मिलेगी, मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलेगी, लेकिन यह केवल सरकारी कर्मचारी को मिलेगी, व्यवसायी कर की कटौती मिलेगी, सारे कटौतियां प्राप्त होती है। अगला है धारा 80DD के अंतर्गत निष्पक्षता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी होगी, मतलब अंडर सेक्शन 80DD के अंतर्गत जो पूर्ण रूप से फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको अलाउड डिडक्शन कितना मिलता है, 50,000, 0, 75,000, वास्तविक राशि बताइए कौन सा मिलता है, 169, कितना कटौती मिलेगी उसे धारा 80DD के अंतर्गत, 75,000 तक कटौती मिलती है। ये भी ध्यान दीजिएगा पूर्ण निष्पक्षता नहीं लिखा, केवल निष्पक्षता लिखा है, पूर्ण निष्पक्षता लिखता तो 125,000 होता, मतलब ये पूर्ण रूप से विकलांग नहीं है, थोड़ा बहुत है। अगला 170, निम्नलिखित में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत होती है, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे ढूंढकर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है यातायात संस्था में संलग्न मोहन जी एक आदमी है, यातायात भत्ते की राशि का कितना प्रतिशत या 10,000 रुपया प्रतिमा जो भी हो कर मुक्त होता, मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, ऐसे लोग काम करते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रेवलिंग अलाउंस कहिए, तो वो पूछा जा रहा है कि यातायात भत्ते का कितना परसेंट या 10,000 रुपया प्रतिमा जो दोनों में कम हो कर मुक्त होता है। तो भाई 70% या परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट या 10,000 जो प्रतिमा जो दोनों में कम हो कटौती प्राप्त होगी, तो 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में काफी उगाकर यो उसको संसाधित करके बेचने की आय का प्रतिशत भाग व्यवसाय की आय होता है, मतलब पूछ रहा है कि यदि भारत में कोई काफी उगा रहा है, उसको संसाधित कर रहा है और उसको संसाधित करके बेचता है तो उसका कितना भाग व्यवसाय की आय होगा, कृषि आय नहीं पूछ रहा है, व्यवसाय की आय पूछ रहा है, बताइए कितना भाग होगा। भाई 25% होगा, क्यों, इसका 75% एग्रीकल्चर इनकम, 25% बिजनेस इनकम, ठीक है। यदि गत वर्ष में बीमा कमीशन 60,000 रुपए से अधिक नहीं है तो खर्चे की अधिकतम कटौती कितनी मिलेगी, पूछा है कि एक साल में बीमा कमीशन से हम 60,000 रुपए तक कमाते हैं, माने 60,000 से अधिक नहीं कमाते हैं, तो पूछ रहा है कि खर्चे की अधिकतम कटौती कितनी मिलेगी, 15, 20, 25, 30 कितनी कटौती मिलेगी बताइए, मैक्सिमम डिडक्शन वहां पे 20,000 रुपए तक मिलता है। अगला क्वेश्चन भारतीय ग्रेचुटी अधिनियम 1972 के अनुसार वर्तमान में एक कर्मचारी को अधिकतम ग्रेचुटी की राशि प्राप्त हो सकती है, बताइए इंडियन ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग एक वो इम्प्लाई है जो ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो पूछ रहा है कितनी ग्रेचुटी की राशि अधिकतम कर मुक्त होती है, तो भाई
20 लाख रुपए तक होती है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धारा 54 ईसी की कटौती की अधिकतम सीमा क्या है? धारा 54 ईसी में मैक्सिमम कटौती की सीमा क्या है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पचास लाख, साठ लाख, अस्सी लाख, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितना है? तो इस पर कटौती की सीमा अधिकतम 50 लाख। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए स्फीति सूचकांक, स्फीति सूचकांक का मतलब है इंडेक्स, कितना है? तो भाई 331 है। ये एग्जैक्ट याद रखिएगा ये डाटा। भारत में थोड़ा और बड़ा कर लें, ऊपर कर लें, भारत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बीआरएस के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कुछ शर्तों को पूरा करने पर किस सीमा तक कर मुक्त होती है? मतलब एक इम्प्लाई 40, 50, 55 साल की उम्र पूरा कर लेता है, कहता है कि भाई अब नौकरी नहीं करते कर रहे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको बीआरएस कहा जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो कह रहा है कि उस जो शेष अवधि बच जाती है तो उसका एक मुश्त पैसा उसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है वो दे देती है। पूछ रहा है कि कितना पैसा जो मिलेगा एक मुफ्त राशि क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, तो कर मुक्त होता है। 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जल्दी से बताइए कौन सा हुआ? 5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। चालू वर्ष में नौ वसूल किराया घटाया जाता है, करंट ईयर में जो अनरियलाइज रेंट होता है वो किसमें से घटाया जाता है? सकल वार्षिक मूल्य में से, प्राप्त किराए में से, शुद्ध वार्षिक मूल्य में से, इनमें से कोई नहीं। किसमें से घटाया जाएगा भाई? जो अनरियलाइज रेंट होगा वो सकल ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ही घटाया जाएगा और किसी में से घटाया नहीं जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि स्वयं रहने के मकान किस धारा के अंतर्गत आता है? जो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला मकान है उसका उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? 24, 23, 2, 23, 1, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। 23-2 में एक व्यक्ति गत वर्ष में 365 दिन भारत में निवास करता है तो भाई वो क्या कहलाएगा? गत वर्ष में 365 दिन निवास करता है तो पक्का है क्या कहलाएगा? निवासी कहलाएगा, क्योंकि निवासी होने के लिए 182 दिन होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन है, ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी लाभ होगा। ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी लाभ क्या होगा? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कर मुक्त, इनमें से कोई नहीं, तो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, ठीक है। तभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक और देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पूंजी संपत्ति नहीं है, गांव में स्थित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति है, व्यापार की ख्याति पूंजी संपत्ति है, व्यापार में प्रयुक्त कार पूंजी संपत्ति है, आभूषण, बताइए इसमें से कौन सी पूंजी संपत्ति है? तो पूंजी संपत्ति में है व्यवसाय के लिए जो भी प्रयोग की जा रही है चीजें, वो पूंजी संपत्ति के श्रेणी में आती है। लेकिन कौन सा पूछ रहा है पूंजी संपत्ति नहीं है? देखिए, घरेलू आभूषण पूंजी संपत्ति आएगा, व्यापार के लिए कार प्रयोग कर रहे हैं पूंजी संपत्ति है, बिजनेस की ख्याति पूंजी संपत्ति आएगा, लेकिन गांव में जो कृषि भूमि है वो पूंजी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है भाई, ठीक ना, वो कृषि कार्य में आता है। अब है 83, ठीक है, पढ़िए, नोट करिए इसको और ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोग कहां तक पढ़े हैं? अगला क्वेश्चन हमारा 83, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति गत वर्ष में 173 दिन भारत में रहता है, उसकी पूछ रहा है कि निवासी स्थिति क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी है जो एक साल में 173 दिन, मतलब गत वर्ष में उसने 173 दिन भारत में रहा,
पूछ रहा है कि उसकी स्थिति क्या होगी। स्थिति का मतलब है उसकी निवासी स्थिति क्या होगी। वो अनिवासी होगा, निवासी होगा, साधारण निवासी होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बताइए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले निवासी होने के लिए उसे 182 दिन भारत में रहना जरूरी है। ये तो भाई शर्त पूरी करेगा ही नहीं। तो यदि वह निवासी नहीं होगा तो होगा क्या, बताइए। वह अनिवासी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि निवासी बनने के लिए उसे कम से कम गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना कंपलसरी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करने में ज्ञात की जाती है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल ज्ञात करने में क्या ज्ञात की जाती है। प्राप्त करने की लागत, कुल लागत, निर्देशांक लागत, विक्रय लागत। ये पीछे क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। इसको कमेंट बॉक्स के लिए मैंने छोड़ दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, यदि आपको वो क्वेश्चन समझ में ना आए तो जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा जिस राइटर का, कम से कम उस क्वेश्चन को वहां पर ढूंढिएगा। ढूंढने से बेनिफिट ये होता है कि यदि आप एक क्वेश्चन को ढूंढते हैं तो वहां पे 3-4 क्वेश्चन और उभर के सामने आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आप ढूंढते हैं वो समझिए कि यदि मिल जाते हैं तो आपके माइंड में हमेशा वो समझिए कि बने रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है, थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में स्थित भूमि का एक टुकड़ा बेचने पर डी को गत वर्ष में 50,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब पटना में एक भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, मैंने ऐसी भूमि जो पटना में स्थित है उसका टुकड़ा, एक मैंने एक पार्ट बेचने से डी को 50,000 रुपये का लाभ हुआ। कह रहा है कि भूमि का टुकड़ा 31/12/2019 को खरीदा था। मतलब कि पटना में एक छोटी सी कोई जमीन है, उसको एक आदमी ने जिसका नाम डी है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसने 50,000 रुपये उसने बेच दिया, और बेचने से उसे 50,000 रुपये का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, जमीन बेच दिया, 50,000 रुपये का लाभ हो गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि उस जमीन को जिसको बेचा और उसको 50,000 रुपये का लाभ हुआ, उसे 30/12/2019 मतलब 31 दिसंबर 2019 को खरीदा गया था। पूछ रहा है कि और उस पर साग भाजी उगाई जाती है। भाई वो कुछ भी करे, जमीन का टुकड़ा है, साग भाजी उगाए, बिल्डिंग बनवा, जो मर्जी वो करो। पूछ रहा है लाभ कर योग्य होगा, पूछ रहा है ये कहाँ कर योग्य होगा। अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लाभ कृषि भूमि बेचने पर हुआ है था, यह कर योग्य नहीं होगा, व्यापारिक लाभ होगा। बताइए, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। भाई समझिए, आपको मैंने बताया था कि कोई भी जमीन, मतलब कोई भी भूमि का टुकड़ा, कोई भी अस्थाई संपत्ति जो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत आती है, उसको खरीदा, खरीदने के बाद से इसको बेचा। भाई खरीद कर जब बेचेगा तो यहां तो दो ही सिचुएशन होगा, या तो उसको लाभ होगा और नहीं तो उसको हानि होगा। अब जब ऐसी अस्थाई संपत्ति को बेचा खरीदा जा रहा है तो सीधे से पता चलता है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। लेकिन इस खरीदने और बेचने की ड्यूरेशन यदि 36 माह से अधिक है, ठीक ना, खरीद कर जो बेचा है उसकी ड्यूरेशन यदि 36 माह से अधिक होती है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि 36 माह से कम होती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये 2019 में खरीदी गई है और आज क्या चल रहा है, 2024, तो यहाँ पे क्या होगा, 36 महीने से अधिक है, तो यहाँ दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मकान संपत्ति में शामिल किया जाता है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है, केवल भवन या उससे जुड़ी हुई भूमि,
रहने का मकान, कार्यालय के काम में आने वाले मकान उपयुक्त सभी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या शामिल किया जाता है? सोच के बताइए। हाउस प्रॉपर्टी में क्या शामिल किया जाता है? भाई हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो भवन और उससे जुड़ी हुई भूमि भी हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होती है, रहने के मकान भी हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होते हैं, चाहे उस भूमि पर चाहे उस बिल्डिंग पर कार्यालय के उपयोग आने वाले मकान भी शामिल होते हैं। तो उपयोग सभी सही आंसर क्या होगा? सब होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की गणना जब करते हैं तो जो प्रॉपर्टी होती है उस पर कई काम हो सकता है, या तो हम खुद रह सकते हैं, या उस पर उसे किराए पर उठा सकते हैं, या उस पर कोई अपना व्यवसाय कारोबार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की गणना की जाती है, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। पूछ रहा है कि इसकी गणना किस पर की जाती है? कुल आय पर की जाती है? बिल्कुल नहीं, कुल आय के देय कर पर की जाती है, और करयोग्य आय पर की जाती है? कृषि आय पर तो की नहीं जाएगी, इन्हीं दोनों में से की जाएगी। अब सोचिए किसमें से की जाएगी, कुल आय के देय कर पर की जाती है कि करयोग्य आय पर की जाती है? तो भाई टैक्सेबल इनकम पर नहीं की जाती है, जो टोटल इनकम पर जो टैक्स निकल कर आता है, जो जिस स्लेब के रेट से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उस टैक्स के ऊपर टैक्स 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगाया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका भी है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि करयोग्य आय यदि 8 लाख रुपया होने पर आयकर की देय सरचार्ज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, सरचार्ज क्या पूछ रहा है? सरचार्ज जो है यह उस सिचुएशन में लगाया जाता है जब आपकी टोटल इनकम, ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम आपकी 50 लाख प्लस, 50 लाख से यदि कम इनकम, टोटल इनकम है, तो उस पर सरचार्ज नहीं लगाया जाता। यहां पे उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम केवल 8 ही लाख हो रही है, और वो भी 50 लाख से आपका 1 करोड़ तक कितना है भाई? 10% है, फिर 15% है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा है। तो भाई यहाँ पे सरचार्ज हमारा 0 होगा, न कि कोई अदर परसेंटेज। अगला है, अमूर्त संपत्तियां हैं। अमूर्त संपत्ति किसको कहते हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उपयोग सभी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट बताइए कि इनटेंजेबल एसेट्स किसको कहा जाता है? भाई इनटेंजेबल एसेट्स सब है, अकाउंट्स में आप लोग पढ़े होंगे, पीछे भी कई बार बताए होंगे। कुछ जो आसान क्वेश्चन है उसे तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के खेल से हानि की पूर्ति की जा सकती है। टारगेट हम लोग रखे हैं 500 क्वेश्चन का, देखते हैं जहां तक हो जाता है वहां तक पढ़ाएंगे, जो बच जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। कह रहा है ताश के खेल से हानि की पूर्ति की जा सकती है। आप बताइए, यदि एक आदमी चाहे हम आप कोई भी ताश का खेल खेलते हैं और उसमें हमको लॉस होता है, एक तरह से ताश का खेल क्या होता है? जुआ होता है, नुकसान होता है, तो क्या इस नुकसान की पूर्ति किसी अदर हेड से, किसी अदर इनकम से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। सैलरी से तो हानि होते ही नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की हानि की पूरा किया जा सकता है, सामान्य व्यवसाय से किया जाता है, सट्टे के व्यवसाय से किया जा सकता है, अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी लाभ से किया, पूंजी लाभ वाला वो किसी दूसरे से किया जा सकता है, अदर सोर्सेस में घुड़दौड़ से, घोड़ों के रखरखाव से पूरा किया होता है। लेकिन ये जो ताश का जो खेल है, इस टाइप की यदि हानि होती है, वो किसी भी इनकम को पूरा, इनकम से पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ताश के खेल से आए? बिल्कुल नहीं। लॉटरी से आए? बिल्कुल नहीं। अन्य साधनों से आए? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई, ठीक है ना। अगला है, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से यदि लॉस हो रहा है, तो इसकी पूर्ति हम किससे कर सकते हैं, कितने वर्षों में कर सकते हैं? 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में? तो सही ऑप्शन है 8 वर्ष में। दीर्घकालीन पूंजी हानि हो रही है तो उसे अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही उसकी पूर्ति की जा सकती है, अदर किसी इनकम से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 16(1) के अंतर्गत मिलने वाली प्रमापित कटौती दी जाती है। कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अंडर सेक्शन 61 के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वह भाई किसको मिलता है? फर्म को मिलता है, वेतनभोगी कर्मचारी को मिलता है, कि कंपनी को मिलता है, कि सरकार को मिलता है?
भाई जो सैलरी शीर्षक के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये तक, वो आपका किसको मिलेगा? वेतन भोगी कर्मचारी को मिलेगा, अदर किसी को नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी सही। अगला है, विकलांग अभ्यस्क बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाती है? चाहे वो बच्चा विकलांग हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे जैसे भी हो, यदि वो माइनर है तो उसकी इनकम को किस में शामिल किया जाएगा? माता की में, पिता में, माता पिता जिसकी आय जिस अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आप लोग दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभ्यस्क बच्चे की आय कुल आय में शामिल की जाती है। एक अभ्यस्क बच्चे की आय जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसकी आय को शामिल की जाती है, कुल आय में शामिल की जाती है। संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता की, उसके पिता की, उसके माता पिता जिसकी आय अधिक हो, इनमें से किसी की भी आय में नहीं। क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने छोड़ा है, बस फर्क क्या है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जरूर देंगे। नेक्स्ट है, कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती कितनी दी जाती है? ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अंडर सेक्शन 80C, 80C क्या कहता है भाई? हम किसी भविष्य निधि में पैसा जमा करते हैं या जीवन बीमा प्रीमियम में पैसा जमा करते हैं, तो हमें टोटल इनकम में उतना रिलीफ मिलता है। पूछ रहा है कि कितना डिडक्शन मिलता है, कितना रिलीफ मिलता है? 2 लाख तक, 1,12,000 तक, 1,50,000 तक, 80,000 तक। तो भाई 1,50,000 रुपये तक के डिडक्शन 80C के अंतर्गत मिलता है, ये मुझवानी रखिएगा यार। अब किसको मिलेगा, ये क्वेश्चन में मैंने बताया था, व्यक्ति और एक हिंदू अविभाजित परिवार को प्राप्त होती है। कितना? 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद धारा 80D के अंतर्गत आती है? पूछ रहा है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 80D के अंतर्गत क्या आता है? उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती, भाई ये तो 80E आता है। ठीक है, अगला है, विकलांग आश्रित की चिकित्सा के लिए भी है, चिकित्सीय बीमा है, दिया गया प्रीमियम, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, अब आप चुनकर बताइए जल्दी से इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। ध्यान दीजिएगा, 80D जो है चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में दिया गया दान धारा 80D, और जो ये विकलांग वाला जो है, विकलांग आश्रित की चिकित्सा 80DD है। ठीक है, तो ये भी याद रखे रहिएगा। मनोरंजन भत्ते की कटौती प्राप्त होती है, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन किसको मिलता है? इसका सही आंसर ये आपका ये था, मनोरंजन भत्ते की कटौती किसको प्राप्त होगी? केवल सरकारी कर्मचारी को, केवल निजी कर्मचारी को, केवल अर्ध सरकारी कर्मचारी को, उपयुक्त सभी को। तो भाई मनोरंजन भत्ते की कटौती एक ही आदमी को प्राप्त होती है सैलरी में, क्योंकि धारा 16 के अंतर्गत 3 तरीके की कटौती आती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस, अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, और एक और है नियोजन या व्यवसाय कर। तो जो मनोरंजन भत्ते का डिडक्शन मिलता है वो आपको केवल गवर्नमेंट इंप्लाइयों को मिलेगा, अदरवाइज किसी इंप्लाई को नहीं मिलती। ठीक है, कितना मिलता है? 5,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय के विभिन्न शीर्षकों के योग को कहा जाता है। इनकम को, इनकम टैक्स में यह माना गया है कि आय के केवल 5 शीर्षक हैं। कितने? 5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। यहां पूछा जा रहा है प्रश्न में कि जो विभिन्न शीर्षक हैं, मतलब ये 5 जो शीर्षक हैं, इसका यदि योग कर दे रहे हैं, मतलब टोटल कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। देखिए सकल कुल आय, ठीक है, डिडक्शन घटा देंगे तो क्या कहा जाएगा? कुल आय कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस आय में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती है? पूछ रहा है कि वो इनकम कौन सी है जिसमें धारा 80C की डिडक्शन नहीं मिलती है? देखते हैं क्या क्या है। वेतन से आए, मकान संपत्ति से आए, व्यवसाय से आए, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, किससे नहीं मिलता है? जल्दी सोच के बताइए।
80 सी का जो डिडक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से प्राप्त नहीं होता है, बाकी सबसे मिल इस पर नहीं मिलता है, बाकी सब पर मिल जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि ऋण 1/4/1999 से पूर्व लिया गया हो तो अधिकतम छूट की सीमा होगी, मकान संपत्ति पर लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में छूट की सीमा पूछ रहा है। कह रहा है कि मकान बनवाने के लिए यदि कोई कर्जा 1/1999 से पहले लिया गया है तो उस ऋण पर ब्याज की जो कटौती मिलती है वो कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा? जल्दी से बताइए भाई, आपको बताए थे मकान बनवाने के लिए यदि कर्जा ले रहा है 1/1999 से पहले लिया है तो 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, और 1/1999 के बाद लिया है तो 2,00,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। तो यहाँ पूर्व की बात कही गई है इसलिए 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। अगला है कि एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि PPF में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज की कटौती प्राप्त कर सकता है। पूछ रहा है कि एक व्यक्ति पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष में कितना अधिकतम जमा करेगा तो उस पर उसे छूट मिलेगी। बताइए 50,000, 60,000, 1,00,000, 1.5 लाख, जल्दी से बताइए भाई। अभी मैंने बताया है 80C पीछे 1.5 लाख रुपए तक, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में जमा होता है और 80C के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है। धारा 80C की कटौती निम्नलिखित में से उपलब्ध नहीं है। पूछ रहा है कि धारा 80C की कटौती किसको नहीं मिलती है? अभी मैंने बताया था किसको मिलती है, एक व्यक्ति को मिलती है, एक हिंदू विभाजित परिवार को मिलती है, और किसी को नहीं मिलती। तो व्यक्ति को मिलेगी, सही है, हिंदू विभाजित परिवार को मिलेगी, कंपनी को नहीं मिलती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसको नहीं मिलती है, तो सही आंसर क्या होगा? कंपनी को नहीं मिलती है, बाकी ये दोनों को मिलेगा। अगला है BHU मैंने एक विश्वविद्यालय है की स्थिति है। BHU क्या है? एक व्यक्ति के रूप में है, एक फर्म के रूप में है, एक कंपनी के रूप में है, एक कृत्रिम व्यवसायिक व्यक्ति के रूप में, जल्दी से बताइए BHU या किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी वो किस रूप में है? भाई एक कृत्रिम व्यवसायिक व्यक्ति के रूप में है, मतलब एक आर्टिफिशियल बिजनेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसको हम व्यक्ति की श्रेणी में शामिल करते हैं, एक कृत्रिम व्यक्ति समझिए, ठीक ना। इसको एक BHU को क्या कहा जाता है, कृत्रिम, जैसे स्टेट बैंक, PNB, रिलायंस, टाटा बिरला, ये सारी कंपनियां क्या है, एक व्यक्ति की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है इनकम टैक्स के अंतर्गत। अगला कह रहा है कि एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5,00,000 रुपए मिले, उसे धारा 80QQB में कटौती मिलेगी। पूछ रहा है कि एक आदमी है, कोई पुस्तक लिखा, बुक लिखा, और उस बुक को जब पब्लिश किया तो उस पर उसको रॉयल्टी पब्लिशर के थ्रू 5,00,000 रुपए मिल रही है। तो रॉयल्टी, ये जानना जरूरी है कि रॉयल्टी से जो इनकम होती है वो किस धारा के अंतर्गत उसे डिडक्शन मिलता है। तो पहले तो ये जान जाइए उसे 80QQB के अंतर्गत उसे डिडक्शन मिलता है। अब पूछ रहा है कि कितना कटौती मिलेगा, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, जल्दी से बताइए कितना मिलेगा भाई। ये भी कई कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कितना मिलेगा? मुझे मानी याद होना चाहिए 3,00,000 रुपए तक रॉयल्टी से डिडक्शन मिलता। एक क्वेश्चन है, आधा नीचे है आधा ऊपर है। एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी 4,00,000 रुपए मिले, उसे धारा 80QQB के अंतर्गत कटौती मिलेगी। सेम वही क्वेश्चन है, उसमें 5,00,000 था, इसमें 4,00,000 है, कितना मिलेगा? 3,00,000। एक ही क्वेश्चन दो बार हो गया है लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाटा इंडस्ट्रीज की स्थिति है। टाटा इंडस्ट्री क्या है? क्या एक फर्म के रूप में है, एक कंपनी के रूप में है, एक व्यक्तियों के संघ के रूप में, एक स्थानीय निकाय के रूप में है? जल्दी से बताइए। टाटा इंडस्ट्री भाई, टाटा इंडस्ट्री क्या है? कंपनी ना है। अगला, निम्न सीमाता अभ्यस्त की आय माता पिता की आय में शामिल नहीं की जाएगी। अब देखिए, पूछ रहा है कि किस सीमा तक एक माइनर इनकम कमाता है, तो उसकी इनकम को उसके माता पिता की आय में शामिल नहीं किया जाता है। कितना कमाएगा एक नाबालिग कि उसके माता पिता की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा? 1000, 10000, 1500, संपूर्ण है? जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखकर ही आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यस्क विवाहित पुत्री की आय, मतलब एक नाबालिग पुत्री है वो इनकम कमाती है, तो क्या होता है? अभ्यस्क विवाहित पुत्री के हाथों में करयुग होगा, माता पिता की आय में शामिल की जाएगी जिसकी आय अभ्यस्क की आय में जोड़े मीना अधिक हो। बिल्कुल सही। कर से पूर्णता मुक्त होगी, उसके पति की आय में शामिल की जाएगी जो व्यस्क है। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? भाई सेकंड ऑप्शन है, चाहे वो अभ्यस्क पुत्री हो या अभ्यस्क पुत्र हो, नाबालिग है, पैसा कमाता है, 1500 रुपये से अधिक कमाता है, तो उसके माता पिता की आय में शामिल की जाएगी। अधिनियम की धारा 2.7 में, मैंने आयकर अधिनियम की धारा 2.7 में स्पष्ट किया गया। अब देखिए, यहां पूछ रहा है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2.7 में किसको डिफाइन किया गया? करदाता को, लाभांश को, फर्म को, आय को? जल्दी से बताइए। 2.7 में भाई करदाता का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन है कि 2001-2 के लिए स्फीति सूचकांक होगी, लागत स्फीति सूचकांक देखते होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए यूज किया जाता है। लागत स्फीति सूचकांक 2001-2 की कितनी है? 2200 रुपया है, मुझे मानी याद रखिएगा, एकदम स्टार्टिंग का 2001-2 का, और जो करंट ईयर चल रहा है, मतलब जो असेसमेंट ईयर वर्तमान में चल रहा है उसका। अगला है, आयकर अधिनियम के अनुसार आय है, माने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आय किसको कहा जाता है? लाभ या अधिलाभ को, अनुलाभ के मूल्य को, लॉटरी से आय को, उपयुक्त सभी? भाई इनकम टैक्स के अंतर्गत कहीं से भी पैसा कमाते हैं, चाहे लीगल हो, अनलीगल हो, मेहनत से कमाए, चाहे जैसे मर्जी है वैसे कमाए, तो वो हमारी इनकम की श्रेणी में शामिल है। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बड़े हैं, कुछ पेज सेटअप बढ़िया से नहीं हुआ है। देखिए, सरोज जिसकी आयु 62 वर्ष है, एक महिला है जिसका नाम है सरोज, इसकी उम्र 62 वर्ष है, कह रहा है आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा बशर्ते उसकी सकल आय निम्न से अधिक हो। मतलब एक महिला है जिसका नाम सरोज है, वो 62 वर्ष की उम्र की है, यदि उसे आईटीआर दाखिल करना होगा तो किस सिचुएशन में आईटीआर दाखिल करेगी, जब उसकी ग्रॉस टोटल ग्रॉस इनकम कितनी होती है तो उसे आईटीआर दाखिल करना होगा। यहां ग्रॉस नहीं है, एक तरह से होगा टोटल इनकम होगा, ठीक ना, टोटल इनकम कितना होगा कि उसे आईटीआर दाखिल करना कंपलसरी होगा। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो भाई 3 लाख रुपया होगा, लेकिन ये आपका असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग। अभी 24-25 वाला भी आप लोग का डाटा तो आ गया है, लेकिन इसको अलग से वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि 2024-25 असेसमेंट ईयर में क्या चेंजेज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनियम की धारा 2.24 संबंधित है, देखिएगा, पूछ रहा है इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 224 किससे रिलेटेड है? आय से, सकल आय से, वेतन से, कुल आय से? जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल है, कहीं भी सर्च करके पता कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही हुआ। अमूर्त संपत्तियों पे ह्रास की दर क्या है, एक बार और भी आ गया है भाई। अमूर्त संपत्तियों पे मुंजवानी याद रखिएगा 25% है, और इनकम टैक्स में खास तौर से पेटेंट पे इस तरह का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। 25% देखिए है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धारा 80D के अंतर्गत, धारा 80D के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक के संबंध में अधिकतम कटौती की रकम क्या, मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट का अंडर सेक्शन जो हमारा 80D है और उसमें भी सीनियर सिटीजन का नाम ले रहा है, पूछ रहा है कि इसकी अधिकतम कटौती की राशि क्या होगी। 10,000, 50,000, 75,000, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, कितना होगा 80D, वो भी कह रहा है वरिष्ठ सीनियर सिटीजन। बुक में एकदम सर्च मार के देखिए आप लोग कितना होगा, क्योंकि 80D मैंने कई बार बताया है। सार्वजनिक भविष्य निधि में, ये आप लोग को बताना है क्वेश्चन, इसी में आंसर छुपा हुआ है। सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान की अधिकतम सीमा क्या होगी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। देखिए कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम आ रहे होंगे, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कर दिया गया होगा। कोई क्वेश्चन आंसर से ही शुरू हो गया होगा, कोई क्वेश्चन से शुरू हो गया होगा, कुछ उसी में चेंज किया गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, रहेगा एक ही चीज, उसी को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा गया रहेगा। यहाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने हाल ही में बताया है, और ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C के अंतर्गत आता है। कार्य अंशदान की अधिकतम सीमा क्या होगी, 50,000, 70,000, 1.5 लाख, 3 लाख, अभी मैंने बताया है 1.5 लाख, पीछे 10 क्वेश्चन पीछे था अभी, बस क्वेश्चन का को दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर पर ह्रास की दर है, फर्नीचर पर किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, 5%, 10%, 15%, 20%, जल्दी से बताइए फर्नीचर पर किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। सबसे कम फर्नीचर पर लगता है कितना, 5%। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से पूर्णतः कर योग्य भत्ता नहीं है, पूछ रहा है कि जो नीचे ये चार नाम दिया गया है, जैसे अधिसमय भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस, और ये आपका फूड अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन पूर्णतः कर योग्य नहीं है, माने फुली टैक्सेबल नहीं है, बताइए। सैलरी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। ओवर टाइम अलाउंस ये आपका टैक्सेबल है, भोजन अलाउंस ये भी टैक्सेबल है, चाहे वो पार्टली हो या फुली हो, मेडिकल अलाउंस ये भी टैक्सेबल है, यूनिफॉर्म जो अलाउंस मिलता है ये पूर्णतः कर योग्य नहीं होता है, उस पर टैक्स नहीं लगाया। जैसे देखते होंगे हमारे सुरक्षाकर्मी है, जैसे मान लीजिए पुलिस या आर्मी वगैरह के लोग, या बहुत सारे ड्राइवर्स वगैरह हैं, कंडक्टर्स वगैरह हैं, या कारखाने में जो लोग काम करते हैं, ये सब यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो यूनिफॉर्म उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वह टैक्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 44AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से क्या आशय है, निर्दिष्ट तिथि का मतलब है इनका आईटीआर दाखिल करने की तिथि क्या, 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, जल्दी से बताइए। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 30 सितंबर। फर्म द्वारा साझेदार को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत होगा, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में यदि एक साझेदार पूंजी देता है, मतलब पूंजी लगाता है, तो उस पूंजी पर ब्याज कितना स्वीकृत होगा, मतलब अलाउड होगा, 15%, 16%, और भी देखते हैं कितना है। अठारह%, 12%, बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताइए भाई। सही आंसर आपका क्या होगा, 12% तक
एक हिस्सेदार द्वारा दी गई पूंजी है उस पर ब्याज स्वीकृत होता है, इससे अधिक नहीं। भूमिगत कोयला खनन कार्य भत्ता, मतलब कि ऐसे एम्प्लाई जो अंडरग्राउंड काम करते हैं, मतलब जमीन के अंदर काम करते हैं जैसे कोयले की खान, तो भूमिगत कोयला खनन कार्य भत्ता उनको मतलब अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है। भाई जमीन के नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क ही है, हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि यह भत्ता किस तरह का भत्ता है, पूर्णता कर योग्य भत्ता है, पूर्णता कर मुक्त भत्ता है, कि अंशता कर मुक्त भत्ता है, कि इनमें से कोई नहीं। सैलरी क्या है जल्दी से बताइए, क्या होगा इसमें से? यह पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड, मतलब अंशता कर मुक्त भत्ता होता। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, धारा 80P की कटौती प्रदान की जाती है। देखिएगा धारा 80P, 80C से 80U तक है तो उसी में एक आता है 80P। 80P का डिडक्शन किससे रिलेटेड है, किसके संबंध में मिलता है? सहकारी समिति को, व्यक्ति को, कंपनी को, एक हिंदू विभाजित परिवार को, बताइए किसको प्राप्त होता है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में जो डिडक्शन मिलता है वो धारा 80P होता है। अब आप लोग को रहने दे रहे हैं, काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, ठीक ना। बाकी दो चार क्वेश्चन और करा के नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, दूसरा एक और लेक्चर दे देंगे। अगला है, मुझे भी काफी समय हो गया, काफी देर से लगे हैं, ध्यान दीजिएगा। करदाता के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षण शुल्क की कटौती निम्न धारा के अंतर्गत शामिल की जाती है, मतलब एक करदाता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बच्चों का एजुकेशन के संबंध में जो शिक्षण शुल्क दे रहा है, पूछ रहा है इस पर कटौती किस धारा के अंतर्गत दी जाएगी? धारा 80C, 80CCC, 80DD, 80G, बताइए। 223 भाई, एक करदाता है, उसका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और शिक्षण शुल्क दे रहा है, तो भाई उसको डिडक्शन मिलेगा, वो डिडक्शन आपको 80C के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 20,000 से अधिक नगद भुगतान अस्वीकृत होगा। 20,000 से अधिक नगद यदि कहीं भुगतान कर रहे हैं तो डिसअलाउड होगा। कितना डिसअलाउड होगा? 100% डिसअलाउड होगा, 20%, 50%, 40%, बताइए कितना होगा? तो भाई 100% डिसअलाउड होगा 20,000 रुपए तक। और अगला है, धारा 44AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक हो। मतलब धारा 44AB के अंतर्गत जो बिजनेस चलते हैं उनके हिसाब किताब मेंटेन करके उसको ऑडिट कराना कंपलसरी है, यदि उनकी टोटल टर्नओवर कितने रुपए से अधिक होती है तो 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 10 करोड़, बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यदि उनकी टोटल टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो हिसाब किताब का मेंटेन करने के साथ साथ उसका ऑडिट कराना कंपलसरी होता, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हुए अभी हम लोग का? 225। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मान लीजिए जो छोटे फूटे क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कुछ GST वगैरह का भी क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक ना, कुछ और भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ और भी अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि भाई आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। पढ़िए, मेहनत करिए, जितना ये क्वेश्चन दिया गया है कम नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। जो भी आप जिस कोर्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में जो भी आपका टॉपिक है, यूट्यूब चैनल पर हमारे सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ वीडियो उसका जरूर मिल जाएगा, उसको देखते रहिए, हर एक लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए, ठीक ना। इतना ही काफ़ी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं काफ़ी है, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। लेकिन यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उसकी बात कुछ अलग है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, बाय।